देखते हैं भाई आयशर मोटर्स आज कैसे बिहेव करता है, अब ब्रोकेजेस इस लॉन्च पे क्या कह रही है, सब आगे लेकर आऊंगा। हो गया आज के सारे डिटेलिंग, ग्लोब के संकेत, सेटअप, निफ्टी निफ्टी बैंक की रणनीति और आज के टॉप स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर, लेकर आइए सीएनबीसी आवाज का मंगलवार का जो मॉर्निंग पैनल है वो आपकी स्क्रीन पे सब रेडी। कुछ बेहतरीन टॉप कॉल्स के साथ कर देता हूं शुरुआत। गावा सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सबको। बाय द वे गावा सर, आज का पहला टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत ही गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है ग्रासेंट। ग्रासेंट एक क्रूशियल लेवल पर है, 1797 पर, 18 से डाउन फिगर है। लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। ग्रासेंट टॉप होगा 1771, स्ट्रक्चरली एक स्टेप फॉर्मेशन है, इसमें अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए। 1772 का स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये 1820 से 1830 ये एक जोन है, वहां तक जा सकते, तो ग्रासिंग पर ध्यान देना चाहिए आज। ग्रासिंग पर ध्यान दें, ये हो गई गावा सर की पिक। कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी गुड मॉर्निंग, कविता जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल मुझे लग रहा है आज रियलिटी में एक मूव आना चाहिए, सो तो हम रियलिटी से दो स्टॉक मेरी रडार पे, डीएलएफ एंड ओबेरा रियलिटी। तो ओबेरा रियलिटी में शॉर्ट टर्म में मूव हमने कल देखे हैं, मुझे लग रहा है ये एक्सटेंड होना चाहिए फर्दर अपसाइड। 1003 के लेवल्स पर कर अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ये क्लोज हुआ है एंड आरएसआई इज आल्सो पॉइज्ड फॉर फर्दर अपसाइड मूव। तो मुझे लग रहा है 1021 के टारगेट्स के लिए ओबेरा रियलिटी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए -97 का। रियल एस्टेट एज अ स्पेस रडार पे कविता जी के, ओबरा रियल्टी में शॉर्ट कवरिंग के मूव जो आ रहे हैं वो और एक्सटेंड होंगे, खरीदारी करने का मन। मानस गुड मॉर्निंग, मानस आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करनी है। देखिए कल भी हमने पीएसयू बैंकिंग में काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा, बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिए। आई थिंक इस रैली के बाद भी ये रैली यहाँ पर अभी थमेगी नहीं, अभी जिस तरह के ब्रेकआउट हमने कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में देखे हैं, आई थिंक यहाँ से भी आपको 5 से लेकर 7% का अपमूव देखने को मिल सकता है इन दोनों ही स्टॉक में। मेरा जो पिक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। 194.90 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2017 के हाई स्टॉक टेस्ट कर सकता है जो कि 207 रुपए है। तो 207 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करनी है। 200 वाला कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर 4.30 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, 12.50 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आपको बाय की कॉल मानस की तरफ से। आज फिर से दो राजेश हमारे साथ शो में, राजेश सतपुते और राजेश पालवे। राजेश पालवे जी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये स्टॉक में कल के सेशन में अगर हम देखें तो डे हाई की तरफ स्टॉक बंद होते हुए दिखा और स्टॉक में अगर ओवरऑल सेटअप भी देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। पूरी जून सीरीज में एक साइडवाइज कंसोलिडेशन था, अब हमें लग रहा है जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें 990 से लेके 1000 तक के अपसाइड हमें लगता है कोरोमंडल फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 948 के आसपास। कोरोमंडल इंटरनेशनल कल अच्छा मूव कर गया है, आज भी रडार रखिए, तेजी की तैयारी यहाँ पे होती हुई। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, सतपुते साहब रडार पे आज कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए रडार पे है मेरे एचयूएल, कल हमने इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा और जो प्राइस पैटर्न की बात करते हैं हम लोग वो प्राइस पैटर्न है इसका अच्छा डायमेट्रिक फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट कल इसने दिया विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि जो 2720 के कल का क्लोज है यानी 2700 के ऊपर का क्लोज है ये एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ले रही है, आप कह सकते हैं कि शॉर्ट स्क्वीज होगा यहाँ पे और इसका जो टारगेट रहेगा बाय कॉल का वो रहेगा 2780 से लेके 2800 और 2700 का ब्रेकआउट है ये ध्यान में रखते हुए जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो रहेगा 2690 का। तो 2690 के स्टॉप लॉस के साथ एचयूएल बाय करें, टारगेट रहेगा 2780 से लेके 2800। ओके चलिए आशीष को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, अनुज जी मेरी ट्रेड रहेगी बीपीसीएल में, खरीदारी की सलाह रहेगी। कल हमने देखा कि पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला, पीसीएल और आईओसी में एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था और करीब करीब 18-19% का
ओआई बिल्डअप दोनों तीनों मतलब स्टॉक्स में अच्छा ओआई बिल्डअप भी देखने मिला है, तो बीपीसीएल में पोजीशन बनाने की सलाह है। 368 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, हमें लगता है कि 385 तक का मूव इसमें देखने मिल सकता है। ओके, बीपीसीएल ये है बहती साहब का पिक। आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए सारे सारे कॉल्स हो चुके हैं। गौरांग सर जुड़ते हुए जियोजीत फाइनेंशियल से। गौरांग सर से जान लिया जाए भाई, फंडामेंटली जियोजीत पे इस समय सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा समझ पड़ रहा है? गौरांग सर सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। रडार पे सर कौन सा स्टॉक? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मुझे नहीं पता किसी ने पैनल पर हमारे माननीय सहयोगी ने आईटीसी का जिक्र किया है कि नहीं, लेकिन हम आईटीसी की बात करना चाहेंगे। कल 463 के आसपास सर्वोच्चम ऊंचाई पर ये पहुंचकर बंद हुआ है और काफी लंबे समय से हमने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, वो आज के तारीख में भी हम देना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से रुझान आया है और जिस प्रकार से हमारा अनुमान है नतीजों को लेकर के, हमें लग रहा है ये 520 के पार भी जा सकता है, तो आईटीसी पर खरीदारी की राय होगी। और अगर कुछ बाधाएं आती है मुनाफा वसूली के रूप में तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, सिर्फ दरखास्त या विनती एक ही है कि समय सीमा थोड़ी बहुत लंबी रखें। भाई साहब कल का हाईलाइट था सेकंड हाफ में आईटीसी, ये हैवीवेट भी क्या मूव करा। गौरांग सर का आज का पसंदीदा स्टॉक, गौरांग सर ने काफी लो लेवल्स, मेरे ख्याल से 200 के लेवल से चैनल पे कितनी बार रिकमेंड करा होगा आईटीसी, और ऐसे ही गावा सर ने तब उन्होंने चैनल पे डिस्क्लोज करा था कि जब बहुत पिट रहा था आईटीसी, 200 के नीचे स्लिप हुआ था, 150 के नीचे स्लिप हुआ था मेरे ख्याल से, तब उन्होंने चैनल पे कहा था मैंने भी खरीदा, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। गावा सर 465 का जो भाव है आशीष, एक चीज में मैं जोड़ देता हूँ, पिछले क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे उसके बाद हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि जो ब्रोकरेजेस के टारगेट्स थे, तो मैंने एक चीज कही थी कि जो सारे के सारे टारगेट्स उसमें 450 तक के मैक्सिमम टारगेट्स थे उस समय, ये सारे के सारे टारगेट्स ओवर अचीव करेगा ये स्टॉक और उससे ऊपर जाएगा। और एक चीज मैं बताता हूँ आपको, आप ना आईटीसी का जो करंट लास्ट का 2 साल का बिहेवियर है ना, इसको आप कंपेयर करिए 2012-13 के बाद जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया था, जो 10 साल की बेयर मार्केट लीवर में खत्म हुई थी, वो 300 रुपए से स्टॉक हिलता नहीं था, जो आईटीसी 200 था उस समय लीवर का 300 हुआ करता था, उसके बाद उसमें गजब मुंह आया, उसके बाद पेरेंट डीलिस्टिंग लेकर आया, 600 रुपए का फ्लोर प्राइस लगाया, किसी ने एक शेयर नहीं दिया वहां पर, और वो स्टॉक सीधा 1200 हो गया। ये आईटीसी भी अब उसी तरीके की तैयारी कर रहा है, उसी तरीके के मूव्स दिखाने की तैयारी कर रहा है, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप हर डिप पर अगर आप बाय करेंगे, ये इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप बस रोल ओवर करते रहिए और बहुत बहुत प्रॉफिट बना के देगा आपको। ये एक कैचअप रैली अभी भी चल रही है, अभी भी ये स्टॉक सस्ता है कंपेयर टू इट्स बहुत peers, अपने पीयर्स से। एग्जैक्टली गावा सर, 3 गुना हो गया है, कितना इंतजार करोगे भाई? नहीं नहीं, अब तक तो अच्छा है, न्यू हाई पर जब ट्रेड करता है आईटीसी तो मेरे ख्याल से बोलते हैं ना व्हाई पुट अ सीलिंग, लेट इट कंटिन्यू गोइंग अप, जब वो ट्रेडिंग स्टॉप निकल जाएगा तब निकल जाना चाहिए, बस वही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज के टॉप कॉल्स को रिविजिट कर रहा हूँ, गाबा सर ने ग्रासिम पे दाव लगाया है, 1820-1830 तक के लक्ष्य नजर आते हैं, 1772 का स्टॉक। कविता जी ने कहा रियल एस्टेट एडार पे, लेकिन चुना ओबरॉय रियल्टी को जिसमें शायद जो मंदी के सौदे कट रहे हैं वो एक्सटेंड होंगे, शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होगी, तेजी करिए 1020-21 का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक्स की रैली शायद अभी थमेगी नहीं, ये मानस के वर्ड्स थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल अच्छे मूव दिखाए, 207 तक के टारगेट्स हैं, चाहे तो तेजी को बनाने के लिए 200 का कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा का खरीदा जा सकता है, ₹4.20 वहां पर स्टॉप लगाइएगा। कोरोमंडल कल दिन के हाईस पे जाके बंद होता हुआ नजर आया, कोरोमंडल में पालविया साहब कह रहे हैं खरीदारी करिए, इसके फ्यूचर्स में 948 का स्टॉप है, 1000 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। सतपुते साहब को एक बढ़िया सा टेक्निकल ब्रेकआउट नजर आ रहा है HUL में, हम लोग अभी डिटेल में चर्चा कर रहे थे आईटीसी की, रखिए HUL को भी रडार पे, 2690 का स्टॉप वहां पर। बहेती साहब ने बीपीसीएल खरीदने की बात करी 368 के स्टॉप के साथ, ये सब हो गए आज के इंट्राडे, सबके टारगेट्स भी आज होपफुली आज अचीव होते हुए नजर आए।
लेकिन कुछ एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। आईटीसी अभी भी कल के बहुत बढ़िया मूव्स के बाद अट्रैक्टिव लगता है, एक्यूमुलेट करिए, शायद 520 तक की कर रहा है तैयारी। और बतेरो स्टॉक्स इन न्यूज है, क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। आपको स्क्रीन पे सुमित रोज की तरह मतलब कल की तरह जोड़ते हुए नजर आएंगे। यतिन है जो खबरें बताएंगे, कुछ अंश उनकी खबरों के सीधा साधा में आपने वैसे ही देख लिया आते हुए। और असीम दिल्ली से जुड़ेंगे, उनसे भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें लेंगे हम। तो बहुत तैयारी करनी है आज के सेशन के लिए। शुरुआत सुमित के साथ कर रहा हूं, और उसमें भी जो क्वार्टर वन अपडेट्स आ रहे हैं बजाज फाइनेंस, भाई कैसे अपडेट्स हैं? देखिए Q1 के अपडेट्स शुरू हैं ही, हाँ। और आ ही रहे, लेकिन इसमें सबसे पहला नाम बजाज फाइनेंस का, और एक बढ़िया अपडेट बजाज फाइनेंस ने पोस्ट किया है, वो भी स्पेशली एक हाई बेस के सामने जो इस तरह के नंबर से वो पोस्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नए लोन करीब 34% बढ़े हैं, 99 लाख करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। और जो AUM का नंबर है वहां पर भी एक इंप्रूवमेंट है, रफली 32% की ग्रोथ वहां पर, पौने तीन लाख करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिपॉजिट ग्रोथ भी करीब 49,000-50,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। और ना केवल ये बल्कि जो ओवरऑल सिचुएशन है AUM की, वो 32% YOY बेसिस पे आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे भी करीब 9-9.5% के आसपास की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। कंपनी के कस्टमर एक्विजिशन बेटर साइड पर है, ग्रोथ के आंकड़े अच्छे हैं, और ना केवल ये बल्कि ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से भी इसको एक अच्छा थम्स अप दिया गया है। उनका भी मानना है कि यहाँ पर नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बेहतर है, इसलिए उन्होंने 9,250 रुपए के टारगेट्स के लिए ओवरवेट रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है। और कुछ और की हाइलाइट्स में इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि इनकी जो क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेटर साइड पर है, वॉल्यूम ग्रोथ बेटर है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्विजिशन है, और AUM के नंबर में कंसिस्टेंटली एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने एक ओवरवेट साइड पर रेटिंग रखी है और टारगेट्स भी करीब 9,250 रुपए के। तो अच्छे नंबर्स और एक अच्छा अपग्रेड भी स्टॉक का इस नंबर के बाद आता हुआ दिखाई पड़ा है। बजाज फाइनेंस महीने भर का कैंडलस्टिक लेकर आइएगा, तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन जैसा आप कहते हैं पैराबोला, वो वैसे ही नजर आ रहा है। इस अपडेट से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स इस स्टॉक ने एंजॉय करना शुरू करें। पालविया साहब, बजाज फाइनेंस चार्ट पे कैसा प्लेस्ड? तो आशीष जी, स्टॉक तो बुलिश ही है। कल के शो में हमने क्लोजिंग शो में इसको BTSC के ट्रेड के रूप में भी इसको इनिशिएट किया था। हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 7,450-7,500 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यूशन में आते हुए दिख सकती है। तो कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बना है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। 7,320 ये स्टॉप लॉस होंगे फ्यूचर्स में। तो बजाज फाइनेंस पे व्यू बुलिश है, 7,500 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस पे व्यू बुलिश है, अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा है, अभी भी दमखम नजर आता है। और सुमित कह रहे हैं क्वार्टर वन अपडेट खासे स्ट्रॉन्ग इस कंपनी के आते हुए, बाकी के Q1 अपडेट्स में बाद में जाता हूं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो है IDFC ट्विंस। HDFC ट्विंस की चर्चा होती थी, अब IDFC ट्विंस की चर्चा कर लीजिए, क्योंकि यहां पे भी मर्जर की तैयारी, गवना हुई गवा है। का डिटेल्स है लगन पत्रिका का कहते हैं, हाँ, पत्रिका में जो है वो लिखा ये है कि अगर आप IDFC लिमिटेड के 100 शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपको 155 शेयर्स IDFC फर्स्ट बैंक के मिलेंगे। तो IDFC लिमिटेड जो है अभी होल्डिंग कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक की, इसका मर्जर हो जाएगा IDFC बैंक के अंदर, तो जो फाइनल एंटिटी बचेगी वो बचेगी IDFC फर्स्ट बैंक। ऑब्वियसली अगर आप ये रेशियो देख लें, 100 शेयर्स IDFC लिमिटेड के 155 IDFC फर्स्ट लिमिटेड के सामने, तो IDFC लिमिटेड क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट था उसमें काफी लार्ज, तो प्रीमियम दिया गया है, और येस्टरडे के क्लोज से 16.5-17% तक का प्रीमियम आपको यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो शायद एक IDFC लिमिटेड में गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक में और एक ट्रिगर है। नुआमा क्वांटिटेटिव रिसर्च के हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक जो है MSCI के अगस्त रिव्यू में सबसे टॉप कंटेंडर है इंक्लूजन के लिए। जैसे ही 85 का प्राइस क्रॉस हो जाएगा जुलाई के महीने में, वैसे ही ये सबसे टॉप कंटेंडर हो जाएगा MSCI इंक्लूजन के लिए। और अगर ये इंक्लूजन हो गया तो 170 से 180 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए के इनफ्लोज आपको IDFC फर्स्ट बैंक में दिखाई पड़ेंगे। और ये जो MSCI का इंक्लूजन है ये इंडिपेंडेंट है मर्जर की अनाउंसमेंट के बावजूद। तो अगर मर्जर हो गया, ये जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी होते रहेगा अगले 6 महीने तक, लेकिन MSCI के इंक्लूजन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो MSCI इंक्लूजन भी है
और मर्जर भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों ही स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, दोनों रडार पे रहेंगे। अब ठीक है, आईडीएफसी लिमिटेड तो खास तौर पे क्योंकि कल का जो स्वैप रेशियो अनाउंस हुआ है उसके हिसाब से 16.5% का प्रीमियम आईडीएफसी के शेयरधारकों को मिलेगा, तो ये स्टॉक तो आज आउट परफॉर्म करेगा। पर उस आज के इस ओपनिंग के एडजस्टमेंट के बाद सारा अब आउटलुक पैक्ड होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के परफॉर्मेंस पर। गौरांग सर, ये बैंक आपको पसंद आता था, कई बार चर्चा होती थी, ये मर्जर रिलेटेड जो अपडेट्स आए हैं वो स्वैप वैप तो अपनी जगह, आईडीएफसी फर्स्ट पे आप लोग का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? अच्छे मूव्स, अब तो 80 के ऊपर वैसे ही ट्रेड कर रहा है, और दमखम है या हो गया? बहुत दमखम है, और मेरे ख्याल से मर्जर के बाद और भी सक्षम हो जाएगी बैलेंस शीट। लेकिन अगर ये मर्जर को थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए दूर करते हैं और हम सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं आशीष, तो पिछले दो तिमाही से यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में जो सुधार हुआ है उसको लेकर के मेरे ख्याल से लोगों में थोड़ी बहुत पारदर्शिता आई है, और मैनेजमेंट ने जिस तरीके से टिप्पणी करी है आने वाले भविष्य के कारोबार को लेकर के, वो भी अगर मैं सामने रखता हूँ तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है। अभी भी अगर आप चूक चुके हो तो अगर किसी कारणवश गिरावट आती है तो आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि ग्रॉस और नेट एनपीए की जो दिक्कत थी बैलेंस शीट पर, प्रोविजन को लेकर के जो दिक्कत थी, कुछ एक अकाउंट्स को लेकर के ऊपर के तरफ के एनपीए हुआ करते थे, वो अब इतिहास हो चुका है। मेरे ख्याल से 80 के ऊपर कामकाज कर रहा था कल आखिर में जब बाजार बंद हुआ, तो अगर जोखिम झेलने की क्षमता है थोड़ी बहुत तो इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़े, पूरी ताकत लगा करके 80 के पार पैसे निवेश करने की जरूरत नहीं है, मौके बाजार आपको खूब देगा, गिरावट पर आप बिल्कुल यहां पर जोड़ सकते हैं लेकिन शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक बात, ठीक बात। आईडीएफसी लिमिटेड की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हमने अप फ्रंट आज के टॉप जो बिग स्टॉक्स थे उन पे चर्चा कर ली आईडीएफसी लिमिटेड की। मानस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चार्ट पे कैसा प्लेस्ड? देखिए बेहतरीन है, कल भी मैंने आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की थी, और आज भी अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको 82 रुपीज और 82.50 के आसपास मिले तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और पिछला हाई बिल्कुल डेफिनेटली ब्रेक हो सकता है, तो आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड में भी खरीदारी करनी है। 79.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 86-87 रुपीज तक के भाव आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कल ये 16.5% आईडीएफसी के लिए प्रीमियम, अगर मानस रिकमेंड नहीं करते तो प्रीमियम ज्यादा हो सकता था कल, क्योंकि आईडीएफसी ऑलरेडी 6% का मूव दिखा चुका है, उसके बावजूद 16.5% का प्रीमियम मिलने वाला है। खैर, देखते हैं अब दोनों की ओपनिंग्स, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे दोनों आज के स्टॉक्स इन फोकस। दिल्ली चलते हैं असीम के पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी फोकस में, कल कुछ दिग्गज स्टॉक्स जो मूव कर रहे थे उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज था, और वो जियो का नया फोन कल शाम को बाजार बंद होने के बाद लॉन्च हुआ, जिसे जियो भारत फोन कहा गया है। अजीम, कैसा स्टैक्ड अप भैया ये फोन, क्या डिटेल्स हैं, क्या लगता है उसके लॉन्च के बाद? देखिए, अभी भारत में 25 करोड़ लोग 2G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और ये फोन का इस्तेमाल ज्यादातर मोबाइल कॉलिंग के लिए होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल इसमें काफी कम होता है, तो इनको टारगेट करते हुए रिलायंस जियो ने अपने नया फोन मार्केट में उतारा है, और ये भारत जियो भारत फोन के नाम से एक मार्केट में उतारा गया है। इसकी कीमत मात्र 999 पर रखी गई है, इसमें आपको इसमें सिर्फ जियो का सिम ही चलेगा, और अगर आपको इसको एक्टिवेट करना तो आपको मात्र 123 रुपए का प्लान लेना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे टेलीकॉम कंपनियों के साथ कंपैरिजन करूं तो दूसरे टेलीकॉम कंपनियों का मिनिमम 179 रुपए का प्लान शुरू होता है, तो उसके मुकाबले ये 30% के आसपास सस्ता है, लेकिन अगर आप एक ईयरली प्लान इसके साथ लेते हैं तो आपको ये प्लान कम से कम 35% तक सस्ता पड़ेगा, तो एक काफी बचत आपकी हो रही है। और दूसरी बात ये कि फोन के साथ आपको लॉक इन पीरियड कोई नहीं है कि आपको इसको रिचार्ज कराना ही कराना है, आप एक बार रिचार्ज कराइए उसके बाद हो सकता है कि आप एक महीने तक रिचार्ज न कराइए उसके बाद भी रिचार्ज कराइए, तो ये एक बड़ा एक बेनिफिट है। काफी सारे फीचर्स इस फोन के अंदर दिए गए हैं, तो काफी एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है, खासतौर पर देखिए मुकेश अंबानी ने ये कहा था कि हम 2G बुक मार्क करना चाहते हैं, तो उसको टारगेट करते हुए ये फोन बाजार में उतारा गया, और आपको इसका अपटेक होता हुआ जल्दी बाजार में दिखाई देगा, क्योंकि बाकी ऑपरेटर्स के मुकाबले ये 30% तक आपको बेनिफिट दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हालांकि अब चर्चा करूंगा इस स्टॉक की क्योंकि एक बड़ा अनाउंसमेंट कल शाम को होता हुआ नजर आया, पर हमेशा जब भी चर्चा हो, इवन असीम ने जो इनपुट्स दिए उन सब पे आप कुछ रिएक्ट करने का मन बना रहे हो, ध्यान रखिएगा चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इसी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो स्टैंडर्ड वर्ड ऑफ कॉशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सतपुते साहब, चार्ट पे कैसा प्लेस्ड?
जी देखिए, रिलायंस का स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर, और इनफैक्ट कल भी मुझे याद है क्लोजिंग पे बात हुई थी, तभी मैंने यही कहा था 2600 के ऊपर जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, इट्स अ राइजिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट मिला है 2600 के ऊपर, और जो टारगेट दिखता है, यानी हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे तो 2700 का इसका पहला टारगेट है। तो रिलायंस में देखिए, कल हमने एक सजेस्ट किया था, जस्ट मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, 2620 का कॉल हमने 56 पे दिया था, स्टॉप लॉस रखा था 45 और टारगेट रखा था करीबन 80-85 का। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे इस कॉल पे स्ट्राइक पे नजर रखनी चाहिए, तो इट्स अ बाय स्टिल इन रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी करने का कॉल, आई एम श्योर कल जो सत्य साहब कह रहे हैं कल शाम को वैसी चर्चा हुई होगी, क्योंकि कल बहुत अच्छे मूव्स स्टॉक डिलीवर कर रहा था, डिस्क्लेमर के साथ, चाहे तो 2600 का कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज का खरीदा जा सकता है। एक Q1 अपडेट ले लिया था इंपॉर्टेंट बजाज फाइनेंस का सुमित से, एक नहीं कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी आए हुए हैं सुमित, कौन कौन से? देखिए बजाज फाइनेंस के बाद बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट से पहले डी मार्ट और वी मार्ट दोनों पे आप नजर रखिएगा। डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट का भी Q1 का अपडेट आया है, कुल बिक्री 9,810 करोड़ रुपए से बढ़ के 11,580 करोड़ रुपए है। ये इनफैक्ट पिछले क्वार्टर से भी इंप्रूव्ड हुई है और पिछले साल से भी इंप्रूव हुई है। स्टोर की संख्या करीब 327 हो गई है, जो कि पिछली बार शायद 317 थी, वहां से पिकअप करके जो स्टोर का नंबर है वो 324 था, वो बढ़ के 327 आया। इनफैक्ट अगर सेल्स के नंबर्स देखेंगे तो ये शायद पिछले 5 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन साइड पे इनके जो सेल्स के नंबर है वो आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो डी मार्ट पे इस लिहाज से आप नजर रखें। इसके अलावा वी मार्ट पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, जहां पर उनका भी Q1 का अपडेट आया है, 16% की बिक्री बढ़ी है, 678 करोड़ रुपए का एक नंबर है, 588 करोड़ से ये आंकड़ा बढ़कर आया है। कंपनी ने 9 नए स्टोर खोले हैं और करीब 431 अब इनके टोटल स्टोर आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो वी मार्ट डी मार्ट दोनों के अपडेट आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा अब वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दो और अपडेट हैं। वेदांता कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करीब 565 किलोटन से बढ़ के 579 किलोटन के आसपास आया है, माइन मेटल प्रोडक्शन 252 किलोटन से करीब 257 और पावर 3577 एमयू से बढ़ के 4266 एमयू के आसपास के आते हुए दिखाई पड़े, तो इनके नंबर्स भी मेटल साइड पर भी और पावर स्पेस में भी बेटर साइड पर आए हैं। और हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स के अंदर भी चाहे माइन मेटल हो या फिर रिफाइन मेटल हो, दोनों के नंबर्स के अंदर एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है, हालांकि कुछ में फ्लैट लेकिन अदरवाइज वाई बेसिस पे बेटर साइड पर। विंड पावर जनरेशन हालांकि थोड़ा सा गिर कर आया, लेकिन ओवरऑल हिंदुस्तान जिंक और वेदांता इनके नंबर्स भी अच्छे, लेकिन डी मार्ट एक बेहतर साइड पे आप इसे आज काउंट करके चल सकते हैं। डी मार्ट और वी मार्ट, वैसे अभी तक जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं पिक्चर तो अच्छी पेंट कर रहे हैं Q1 इंडिया इंक के परफॉर्मेंस को लेकर, स्पेशली बैंक्स एनबीएफसी भाई साहब देखते हैं भाई, अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए तो जस्टिफाई हो जाएगा थोड़ा से बाजार के बढ़िया मूव्स भी। लेकिन गौरांग सर, ये एवेन्यू सुपर मार्ट आका डी मार्ट कैसे देख रहे हो आप, ये इस स्टॉक पे अब व्यू क्या बन रहा है? बहुत आज भी प्रीमियम कमांड करता है, लेकिन एक समय जो ईवी बाय बीटा हुआ करता था 60 times का 5 साल का औसतन, उसके तो आधे पे आ गया है, 35-40 times वो शायद इस समय ट्रेड कर रहा है, तो कुछ कूल ऑफ हुए हैं, वैल्यूएशन कंसर्न्स थोड़े बहुत एब हुए होंगे, लेकिन स्टॉक पे व्यू क्या है? तो पहले तो डिस्क्लोजर आशीष, लंबी अवधि के लिए खरीदारी गिरा है और ये नीचे के तरफ के दायरे हमने इसलिए देखे क्योंकि पिछली तिमाही के जो आंकड़े थे, खास करके अगर मेरी याददाश्त या अनुमान सही है तो दूसरी तीसरी और चौथी तिमाही के जो पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े आए थे वो बाजार की उम्मीद से थोड़े बहुत नीचे आए थे और कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत निराशा ज्यादा थी, इस करके हमने स्टॉक में करेक्शन आते हुए देखा। मेरे ख्याल से एक समय पर ये 3300 के आसपास भी गया था उसकी वजह से। और चौथी तिमाही में आशीष, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने टिप्पणियां की है कि वो बड़े शहरों में मेट्रोज में टायर वन सिटीज में तो ध्यान देंगे, लेकिन ज्यादा ध्यान यानी कि कारोबार की रणनीति जो है वो आगे जाकर के टायर टू टायर थ्री और टायर फोर सिटीज में यानी कि छोटे छोटे शहरों में जाकर के अपने रिटेल जो आउटलेट्स है वो खोलेंगे। और वो इसके लिए आशीष क्योंकि वहां पर जो आमदनी है और लोगों के खर्च करने की ताकत है और जो डिजायर्स है उनके, वो बहुत धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं और उसका फायदा लेने के लिए मेरे ख्याल से ये जो छोटे शहरों में इन्होंने नए ब्रांच और नेटवर्क्स आउटलेट खोलने की बात करी है, हमें लग रहा है कि 4400 तक के लक्ष्य लंबी अवधि में यहां पर आ सकते हैं। गाबा सर, एवेन्यू सुपरमार्ट चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? डीमार्ट जी हाँ, यानी मेरे ख्याल से डीमार्ट का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता तो है कि आपको मिलना चाहिए यहाँ पर। डीमार्ट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है लोअर लेवल्स पे करीब अराउंड 3850 के आसपास, 4000 पॉसिबल। मुझे डीमार्ट फ्रॉम स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव बढ़िया लगता है।
अच्छा, आज से एक आईपीओ भी खुलने जा रहा है, उस पर भी चर्चा करनी है, तो क्विकली अब सुमित के पास चला जाए और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिया जाए। सुमित, कौन कौन से? देखिए, बायोकॉन पहला नाम है जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। इनकी बायोसिमिलर अदालिमुमाब को यूएस में एक्सपैंड किया गया। ये बार बार मत पूछो यार, बड़े मुश्किल से तो मैं एक बार बोल पाता हूँ उसे, अदालिमुमाब। इसको इन्होंने यूएस में एक्सपैंड किया है, और एक बीए अदालिमुमाब भी, शायद बायोकॉन बायोलॉजिक्स अदालिमुमाब है, तो उसी को ही उन्होंने एक्सपैंड किया यूएस मार्केट में। और ये 5 साल के लिए एक एक्सपेंशन आया है, तो अच्छी खबर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं बायोकॉन के लिए। औरबिंदो ने एक वाइट्रिस इंक के साथ करार किया है, तो ये दूसरा करार औरबिंदो की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल वैसे प्रेशर में था, लेकिन ये 4.5 करोड़ या 5 करोड़ डॉलर के आसपास के इन्वेस्टमेंट के साथ ये करार आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उस हिसाब से आप इस पर ध्यान रखेंगे। हीरो मोटोकॉप, इस पर अभी थोड़ी पहले चर्चा हो भी रही थी, लेकिन हीरो मोटोकॉप और हार्ले डेविडसन ने एक X440, ये इनकी जो नई बाइक है, उसे लॉन्च किया है, और ये दोनों ने मिलकर टायर शुरू किया है, और करीब करीब 2.25 लाख से इसकी प्राइसिंग है। 4 तारीख से इसकी बुकिंग शुरू होगी, तो ये रॉयल एनफील्ड के लिए नहीं, आयशर मोटर के लिए भी एक बार कुछ अथ्रेट हो सकता है, तो आप उसे आपसे हीरो मोटोकॉप और आयशर मोटर दोनों के ऊपर भी इस खबर के मद्देनजर नजर बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ टोरेंट पावर, जहां पे कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ब्लेंडिंग के साथ नेचुरल गैस के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। 8 महीने में प्रोजेक्ट पूरा होगा। अभी एक आईपीओ की बात हो ही रही थी, तो सेनको, इसका आईपीओ आज खुलने जा रहा है, तो इस आईपीओ के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। आता हूं उस आईपीओ पे। बायोकॉन, बहेती साहब, इंतजार था, सबको पता था, डेट भी ऑलमोस्ट आइडिया थी, तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी खबर अच्छी है, कैसे रिएक्ट करेगा स्टॉक, कैसा प्लेस्ड है स्टॉक? जी आशीष जी, इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला, कल थोड़ा सा ऊपर में हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला, बट जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ और जिस हिसाब से इसने अपना 200 डेमा रीगेन किया, मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। आउट ऑफ द सारे फार्मा स्टॉक में क्या बायोकॉन ही एक है जो ब्रॉडलाइन फार्मा स्टॉक्स में जो अभी तक उस हिसाब की रैली नहीं दिखाया जिस हिसाब से ग्लेनमार्क और ऑरो फार्मा ने दिखाया, तो एक अच्छा पोजीशन है यहाँ पे, और खरीदारी की सलाह रहेगी। 258 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनानी जा सकती है इसमें, और टारगेट ऑफ 275। अच्छा, चलिए अब आते हैं प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन पे। पीकेएच वेंचर्स नाम की कंपनी का आईपीओ जो खुला हुआ है, आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन, 140 से 148 रुपए का प्राइस बैंड। आज एक लिस्टिंग होने जा रही है एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज की, 1.6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, 585 रुपीस का इश्यू प्राइस था, थोड़ा सा ठंडा रिस्पांस था, देखते हैं आज लिस्टिंग कैसी होती है। और आज से एक आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा 10 बजे ऑनवर्ड्स, सेनको गोल्ड। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ज्वेलरी का रिटेलर है, ईस्ट इंडिया पे थ्रस्ट है, उसमें भी पश्चिम बंगाल डोमिनेंट पोजिशन वहां पर है। आज से खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा, 301 से 317 रुपए का प्राइस बैंड, 405 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, बाकी की डिटेल स्क्रीन पे चलती रहेंगी। इस आई पे बात करने के लिए हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई। आस्था, सब्सक्राइब करना है या नहीं? गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग है, yes. तो हम लोगों ने जो नोट निकाला उसमें मैंने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रही हूँ। देखिए, कंपनी में मुझे 2-3 पॉइंट्स काफी ज्यादा पसंद आए, जैसे कि ये पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेलर की तरह है, लेकिन बहुत पुरानी कंपनी है, 5 डिकेड्स का एक एक्सपीरियंस है प्रमोटर्स को, बेसिकली काफी पुरानी कंपनी है, तो वो यहाँ पे कंपनी को एक बहुत बढ़िया पोजिशन भी रखती है। दूसरी तरफ जिस तरह का इनका मॉडल है, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम करते हैं और कंपनी ओन ऑपरेटेड शोरूम्स भी हैं इनके, 135 में से 75 तो खुद के हैं और बाकी जो 61 है वो फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन्स अच्छे रहते हैं और एक तरह से असेट लाइट भी ये मॉडल हो जाता है। तीसरी तरफ फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो सीएजीआर ग्रोथ अच्छी है, स्पेशली अगर मैं पियर्स से कंपेयर करूं तो सीएजीआर ग्रोथ टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों की अच्छी है। और चौथी बात है वैल्यूएशन, जिसकी चर्चा शायद आपने आज मॉर्निंग शो में भी की थी कि वैल्यूएशन यहाँ पे रीजनेबल लगते हैं, क्योंकि ये 16 के पीई मल्टीपल पे आ रहा है, दिस इज पोस्ट इश्यू इक्विटी, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ FY23 के पैट के हिसाब से, जो मुझे ठीक ठाक लगता है। So all in all, मुझे लगता है इसमें लगाना चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से इस आईपीओ को है। Actually, पढ़िएगा, फंडामेंटल्स इंटरेस्टिंग है, इस आईपीओ में प्रमोटर्स कुछ माल नहीं छोड़ रहे, और एक्चुअली ये सही है, अगर मैं पियर्स से कंपेयर करूं तो लग रहा है पढ़ के कि टेबल पे इन लोगों ने कुछ छोड़ा है,
आस्था की तरफ से एक सब्सक्राइब करे को पैसा लगाया जा सकता है। आस्था थैंक यू सो मच। कॉम्पिटिटर्स पियर्स कौन कौन से लिस्टेड स्पेस में? कोई टाइटन, कोई कल्याण ज्वेलर, कोई थंगमाइल, ये सब पियर्स हैं। तो टाइटन कविता जी चार्ट पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी टाइटन एक न्यू टेरिटरी में अब मूव करता हुआ दिखता है, 3038 के लेवल पर है। एक बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी काउंटर लिए है, बट मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। अंटिल होल्ड किए है ये अपने 2980 के लेवल्स को, डिप को बाय की तरह देखा जा सकता है। अपसाइड में मुझे लगता है 3150 3200 के लेवल्स की तरह से बढ़ता हुआ। चलो टाइटन, ये है टाइटन पे व्यू। आज सारे ज्वेलरी स्टॉक्स देखते हैं, वो सेंको गोल्ड के आईपीओ किस तरह का रिस्पांस मिलता है। हमने सेकेंडरी, हमने प्राइमरी मार्केट सब टटोल लिए, सब चर्चा कर ली, मुनाफे की तैयारी को समेट लिया जाए और शुरुआत अब पहला सौदा की। स्टूडियो से लाए सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी पहला सौदा की और ट्यूसडे मॉर्निंग फिन निफ्टी की एक्सपायरी, ग्लोबल क्यूज आज सपाट। आज शाम को अमेरिकी मार्केट्स बंद रहेंगे तो एक क्लियर अप्रोच सेकेंड हाफ में प्योरली डोमेस्टिक। वैसे भी हमारी मार्केट खैर प्योर डोमेस्टिक कारणों से चल रही है और अब गिफ्ट निफ्टी में फ्लैट है लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, करीब करीब 18-20 पॉइंट का ऐसे ही। तो हरियाली रहेगी ऐसा ओपनिंग से इंडिकेशन है। गांधीनगर से वीरू भी इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग। 59 दिन का सावन आज से हो रहा है प्रारंभ, हरियाली क्यों ना रहे गिफ्ट निफ्टी पे, वो ही झलकते हुए। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। हमने बिग स्टॉक्स बात कर ली, अब बारी आज के स्पॉटलाइट्स की। स्पॉटलाइट्स का एक हिंट भी मिल चुका है, एक सरकारी बैंक आने वाला है। कौन सा और दूसरा कौन सा स्टॉक है, जरा स्टिंग प्ले आउट करिए, उसके बाद जाना जाए। कौन से स्टॉक्स रडार पे? पहला तो ऑब्वियसली एक पीएसयू बैंक जो हमने बात की थी, तो पहला है कैनरा बैंक। और कैनरा बैंक का एक बार चार्ट लेकर आते हैं। ये आशीष हम चैनल की बात करते हैं ना, ये जो चैनल है ये महीनों का चैनल नहीं है, सालों का चैनल है जो बात हो रही है। ये करीब करीब 13 साल के चैनल की बात हो रही है। कैनरा बैंक ने जो 2010 के हाइज लगाए थे उसके बाद से एक फॉलिंग चैनल था इस स्टॉक का। और ध्यान रखिएगा क्योंकि हम ये सालों की बात कर रहे हैं, इसके लिए ये आपको डे कॉल के हिसाब से अप्रोच नहीं करना है। एक व्यू बन रहा है यहाँ पर कि शायद एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट से पीएसयू बैंक्स बाहर आ रहे हैं और उसमें शायद कैनरा बैंक आगे जाकर उसको लीड कर सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पर खड़ा है, लेकिन कल ये एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल था, ध्यान रखिएगा। तो आज हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए यहाँ पर, अगर नहीं भी आएगी तो अलग बात है। लेकिन व्यू ये है कि ये स्टॉक जो है एक काफ़ी लॉन्ग टर्म पर एक बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। कल 7 गुना डिलीवरी वॉल्यूम्स में जंप था, 7 टाइम्स प्रीवियस डे के मुकाबले, और इसके लिए ये हमारे रेडार पर आया। एक और चीज़, ये स्टॉक जो है चीपेस्ट स्टॉक है पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स में। ये ट्रेड करता है 0.6-0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक। हालांकि सेकेंड टीयर एसबीआई को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे पीएसयू बैंक्स नॉर्मली 1 से कम पे ट्रेड करते हैं, लेकिन 0.6 टाइम्स फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये हो गया हमारा पहला स्पॉटलाइट स्टॉक। दूसरा स्पॉटलाइट स्टॉक जो है हमारा वो थोड़ा सा एक वॉलेटाइल स्टॉक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो है इंडस टावर। और इंडस टावर का भी एक बार चार्ट देखिए, इंडस टावर काफ़ी बेयर मार्केट से गुजरा है, लेकिन अब इंडस टावर एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा है, एक तो इसने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज की पैरेलल लाइन बना ली है। पैरेलल लाइन मतलब 20 डे मूविंग एवरेज 50 लाइन से ऊपर और एक सेम डिस्टेंस मेंटेन करी, ये नॉर्मली पॉजिटिव होता है स्टॉक के लिए। और हर बार ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पर डिप हो रहा है तो वहां पर सपोर्ट ले रहा है, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। और एक चीज़ इंडस टावर के को लेकर, क्योंकि एक वोडाफोन आइडिया को लेकर एक डायरेक्ट प्ले है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल होगा या नहीं होगा। कल वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ्स बढ़ाए थे, कल आई थिंक असीम ने शायद वो न्यूज़ डाली थी कि कल वोडाफोन आइडिया ने एक टैरिफ बढ़ाए थे, वो 99 वाला प्लान खत्म किया, इवन वो जो 150 वाला प्लान है उसमें वैलिडिटी 24 दिन कर दिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है, तो देखते हैं अगर वोडाफोन आइडिया में 2-3 दिन से रैली भी बन रही है तो ये एक दूसरा स्टॉक होगा जो हमारी स्पॉटलाइट पे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स जो हमने स्पॉटलाइट में चुने। बिल्कुल ठीक, ये है आज के दोनों स्पॉटलाइट्स।
कैनरा बैंक और इंडस टावर। वैसे टेलीकॉम एज ए स्पेस रडार पे वो जियो के 4G फोन लॉन्च के चलते और वोडाफोन आइडिया ने जो बेस टैरिफ्स हाइक कर दिए उसके चलते, लेकिन वीरू प्री ओपन कैसा मूड दिखा रहा है? जी आशीष, आइए शिरकत करते हैं प्री ओपन में। आपके स्क्रीन पे जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कुछ वैसा ही हाल है। आपके स्क्रीन पे आएगा निफ्टी और ट्रेजेक्ट्री निफ्टी की अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिएगा ये 19504 हो गई है। अब करीब 174 अंकों पर खैच रही है। इसको वास्तविकता से जुड़ने में वक्त लगेगा। स्टॉक स्पेसिफिकेशन में आते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक IDFC को देखते हैं और उसके बाद रिलायंस। कल का दिन रिलायंस ने क्रिएट किया था, सेकेंड हाफ स्पेशली अगर निफ्टी सस्टेन कर पाया हाई लेवल से, जब निफ्टी IDFC आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 10% ऊपर 120 का स्तर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव। शेयर प्रेशर अगर आप देखें इनके फेवर में, IDFC फर्स्ट बैंक 73.75 10% नीचे। रिलायंस लेके आइए, रिलायंस कल CY23 के सबसे हाईएस्ट लेवल पर, इस कैलेंडर वर्ष के सबसे उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ था 2632 का स्तर यहाँ पे 16 रुपये ऊपर। उसके बाद आप रखिएगा बजाज फाइनेंस, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अपडेट और ये स्टॉक बेहद ही शानदार मोमेंटम में है। आपको याद होगा कल भी हमने एक्सपेक्टेड आजमाया था 267, करीब 267 रुपये ऊपर, करीब 3.5% का इजाफा यहाँ पे। हालांकि ये थोड़ा सा आई थिंक बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बट इट्स स्ट्रॉन्ग 7600। उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट के बाद, अच्छा एवेन्यू सुपरमार्ट भी लिखे आइएगा, इनकी बिक्री करीब करीब 9810 करोड़ से बढ़कर करीब 11580 करोड़ रुपये रही है YOY बेसिस पे। एवेन्यू सुपरमार्ट आपकी स्क्रीन पर लगभग 77 रुपये ऊपर, 2% की तेजी यहाँ पे है। और साथ ही साथ एक बार आप हीरो मोटोकॉर्प रखिएगा, एक महत्वपूर्ण लॉन्च और जो कंपनी की जो हार्ले डेविडसन की जो बाइक है X440 उसका लॉन्च, करीब करीब 2.25 लाख रुपए की कीमत यहाँ पे इसकी 2990 पे आके ट्रेड करता है, लगभग 3% ऊपर। ये कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक फ्यूचर्स थे। अब आता हूँ HDFC ट्विंस को एक बार देख लेता हूँ वहाँ पे क्या रुझान है, और साथ ही साथ एक बास्केट जिसका जिक्र अभी अभी अनुज ने किया एंड दैट्स PSU बैंक्स। याद रखिएगा HDFC आपकी स्क्रीन पे 2918 पे 47 रुपये ऊपर, HDFC बैंक करीब करीब 1.5% ऊपर। फिर लेके आइए आप PSU बैंक्स का बास्केट, कल बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ एडिशन और कल निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पर जाके क्लोज हुआ था। एक 6 मंथ चैनल को बाइसेक किया था इसने, 6322 कैनरा बैंक, 590 SBI लगभग 3/4% ऊपर और करीब करीब 4258 पे आपका निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। और एक स्टॉक और फायर कर दीजिए आखिरी में एंड दैट्स ITC, कल अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण और हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ था 463। मेरे ख्याल से आज भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, यस इट्स 465। अनुज बिल्कुल ITC 465 अभी खैर प्री ओपन में टाइम है फ्रीज होने में, लेकिन अच्छे मूव्स अभी तक विजिबल है यहाँ पर। इंडसइंड बैंक देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वहाँ पर एक प्रमोटर बाइंग अच्छा मूव। बजाज फाइनेंस काफ़ी चल चुका है स्टॉक, लेकिन और चलने की तैयारी शायद, 3.5% का मूव यहाँ पर बजाज फाइनेंस में। आयशर मोटर्स अभी 0.7% नीचे, लेकिन देखते हैं किस तरीके के मूव्स यहाँ पर आते हैं। IDFC यहाँ पर 10% ऊपर खुलने की तैयारी, लेकिन ध्यान रखिए काफ़ी स्टॉक भाग चुका है और इन लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल प्रॉफिट टेकिंग आने के रिस्क रहेंगे, लेकिन प्री ओपन में स्टॉक अभी भी करीब करीब 10% ऊपर। आशीष ठीक बात है, सेटल होने देते हैं थोड़े से ट्रेड्स को, उसके बाद आज की स्ट्रेटजी को रिविजिट भी कर लेंगे। रुपया स्क्रीन पर आएगा 81.95 का प्रीवियस क्लोज, 81.87 पे ट्रेड करता हुआ, मजबूत इस समय रुपए की थोड़ी सी ओपनिंग होती हुई। बाकी कमोडिटीज की ओपनिंग, कच्चा तेल 1/4% मजबूत, चांदी 40-41 रुपए के उछाल के साथ ऑलमोस्ट फ्लैट लेकिन इन ग्रीन शुरुआत करती हुई, और सोना फ्लैट है 7 रुपए की मामूली कमजोरी, 58.270 के टिक्स इस समय। चलिए आज सुबह जो सीधा सौदा के 20 स्टॉक्स मेंशन हुए थे उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम क्विकली आपकी स्क्रीन्स पर, Q1 अपडेट्स है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट और वी मार्ट के, दोनों को ग्रीन रखा। हीरो मोटोकॉर्प को ग्रीन इसीलिए क्योंकि कल हार्ले का जो लॉन्च हुआ है हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर, भाई साहब बाइक भी अच्छी लग रही है और मुझे तो उसकी प्राइसिंग भी अट्रैक्टिव लग रही है। खैर ग्रीन है लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। ल्यूपिन और अरबिंदो फार्मा, एक को USFDA की नॉट मिलती हुई दवा के लिए नेजल स्प्रे के लिए, अरबिंदो फार्मा ने TI के ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के काम, नहीं अरबिंदो फार्मा ने एक करार करा हुआ है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, EV थ्रस्ट है। अनुपम रसायन ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की एक आम के साथ नए मॉलिक्यूल्स डेवलप करने के लिए करार कर रखा है। शाले होटल्स के फंड रेजिंग की तैयारी,
टॉरेंट पावर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में फोरे करता हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में फोरे करता हुआ, एमआरपीएल के नए सीईओ साहब की नियुक्ति, तो ये सब ग्रीन रख दिया आज के लिए। बिल्कुल, और ये आशीष के 10 स्टॉक्स, और अगर हम मेरे 10 स्टॉक्स की बात करें तो शुरुआत मैंने की है आईडीएफसी ट्विंस के साथ, और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो जाएगा आईडीएफसी बैंक के अंदर, तो आपके पास अगर 100 शेयर आईडीएफसी लिमिटेड के हैं तो आपको 155 शेयर्स आईडीएफसी बैंक के मिलेंगे। ऑब्वियसली आईडीएफसी लिमिटेड को फायदा है क्योंकि होल्डिंग कंपनी है, डिस्काउंट ज़्यादा था और इसीलिए 17% प्रीमियम पे ये मर्जर रेशियो अब तय होता हुआ दिखाई पड़ा है। इंडसइंड बैंक, यहाँ प्रमोटर्स अपना कैश इन्फ्यूज करेंगे और वो जो तैयारी होने वाली है वहाँ आपको न्यूज फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बजाज फाइनेंस, काफ़ी स्ट्रांग एयूएम ग्रोथ आपको दिखाई पड़ी है Q1 की, जिसके वजह से आज स्टॉक रहेगा फोकस में। बायोकॉन, अदाली मुबाब, यानी जो आर्थराइटिस की एक बड़ी ड्रग है, इन्होंने US मार्केट्स में बायोसिमिलर लॉन्च कर दिया है। स्टॉक की बात करें तो ये ड्रग मच अवेटेड था, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जीनस पावर, इनको स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर लगभग 2200 करोड़ रुपए के मिले हैं, एक्सचेंज पर डिस्क्लोजर आया है। यूनाइटेड ब्रूरीज और सोम डिस्टिलर्स, ये जो दो बियर कंपनीज हैं, बार्ली के दाम Q1 में 25% से गिरे हैं, जिसके कारण एवेंडस को लगता है यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। और दूसरे दो स्टॉक्स जो रेडार पे हैं वो है M&M फाइनेंस और बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ सिटी को जो है खरीदारी का मूड लग रहा है, 355 का टारगेट M&M फाइनेंस पे उन्होंने रखा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यहाँ से उनको 20-25% की अपसाइड लगती है। ओके, आपने दोनों टीम्स को देखा, और एक बार निफ्टी लेके आइए, अभी 3 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट बाकी हैं अभी फ्रीज होने में, बट आपके स्क्रीन पे इट्स 19413 0.5% ऊपर, अब करीब करीब 91 पॉइंट्स ऊपर 19413। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए इस ओपनिंग के साथ आपकी अप्रोच क्या होगी, दो आपके कन्विक्शन ट्रेड्स इन टीम्स में से। मॉर्निंग वीरेन, देखिए अगर आशीष जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है चार्टिकली, जहां पे मोमेंटम बहुत तेज है, वो है वी-मार्ट रिटेल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो कल इसने 100 डीएमए को ब्रेकआउट दिया विद राइज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे जिस तरह से मोमेंटम है, मेरे हिसाब से ये कल का क्लोज है इसका 2280 के आसपास, तो आज देखिए इसका 2350-2360 ये इसका पहला टारगेट होगा, अगर वो निकले तो फिर मुझे लगता है 2400 तक जा सकता है, तो यहाँ पे बड़ा मूव मुझे लगता है वीमार्ट में आएगा। सो लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस रहेगा करीबन करीबन 2270 का। अगर यतीन जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया है और आप कह सकते हैं कि इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट, दैट इज यूनाइटेड ब्रूरीज। पिछले कई दिनों से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं लेकिन इसमें बड़ा ब्रेकआउट आया नहीं, तो प्रोबेबली आज वहां पे नजर रखे। 200 डीएमए के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, 1515 इसका 200 डीएमए था, और अगर आप इसमें डेरिवेटिव्स के डेटा देखें तो 1500 पे कॉल राइटर जो खड़ा है वहां पे एक शॉर्ट स्क्वीज मिलेगा, तो 1550-1560 ये इसका आज का टारगेट होना चाहिए इस शॉर्ट स्क्वीजिंग शॉर्ट कवरिंग रैली का, तो बाय करें, स्टॉप लॉस रखें करीबन 1490 का, तो दो कॉल बाय यूबीएल एंड बाय वी-मार्ट रिटेल। ओके, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे, ये वो सीधा सौदे की टीम से सत्यदेव साहब की प्रेफर्ड आइडियाज। अब आज के टॉप 10 में सबसे पहले तो आईडीएफसी ट्विंस रडार पे रखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी भाई मर्जर हो रहा है आईडीएफसी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसका स्वैप रेशियो कल शाम को अनाउंस हो गया, और उस स्वैप रेशियो जो कल की क्लोजिंग प्राइस है उस लिहाज से आईडीएफसी के शेयरधारकों के लिए 16.5-16.5% का प्रीमियम, तो आईडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक खास तौर पर रडार पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपना नया 4G फोन इन्होंने लॉन्च किया है जियो भारत के नाम से, 999 के भाव पे, दुनिया का सबसे सस्ता फोन इस कैटेगरी का, तो ये स्टॉक आज रडार पर रहेगा। बजाज फाइनेंस को रडार पर रखिएगा, जो क्वार्टरली अपडेट्स की कड़ी जड़ी लगी हुई है उसमें Q1 के अपडेट इनकी तरफ से आए और वो स्ट्रॉन्ग अपडेट्स हैं, इसीलिए ये स्टॉक हरकत में रहे। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट, इसके भी क्वार्टरली अपडेट्स और क्वार्टरली अपडेट स्ट्रॉन्ग है, चाहे मैं साल दर साल रेवेन्यू मोमेंटम को देखूं, इवन Q-on-Q देखूं, और अगर स्टोर एडिशन को देखूं 3 नए स्टोर्स, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इस बार हेल्दी ग्रोथ आपको दिखाती हुई नजर आएगी। हीरो मोटोकॉर्प रडार पे इसीलिए रहेगा क्योंकि हार्ले डेविडसन के साथ मिलकर कल शाम को इन्होंने नई बाइक में कर्टन उठा दिया है, वो हार्ले डेविडसन X440 अट्रैक्टिव प्राइसिंग के साथ उस गाड़ी का लॉन्च होता हुआ, पता था सबको ये लॉन्च होना है पर वो प्राइसिंग नहीं पता थी, वो सरप्राइज एलिमेंट है, इसीलिए शायद स्टॉक हरकत में रहे। बायोकॉन
इसने वो मच अवेटेड लॉन्च कर दिया है अमेरिकी बाजारों में अपने बायोसिमिलर का। पर ध्यान रखिएगा, ज्यादातर सब कुछ स्ट्रीट को पता है, ये होना था, इवन टाइमलाइंस के बारे में आइडिया था, पर फिर भी खबर अच्छी है इसीलिए स्टॉक रडार पर रहेगा। आइशर मोटर्स को रडार पर रखना है। आइशर मोटर्स को दो रीजन से, एक तो हमने जो बात करी हार्ले डेविडसन का इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि हार्ले डेविडसन की एंट्री लेवल प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव है, ये इनकी मच टॉक्ड अबाउट बुलेट को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। प्लस एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी तो हार्ले डेविडसन हीरो मोटोकॉर्प की कहानी है, कल बजाज ऑटो और ट्रायम्फ अपनी गाड़ी लॉन्च करने जा रहे हैं, अपनी बाइक यूके में लॉन्च करेंगे, जिसको इंडिया में बाद में अनवेल करना था, वो अनवेलिंग इंडिया में कल होनी है, तो इनके लिए टक्कर बढ़ती ही चली जा रही है, ये ध्यान रखना है आपको। इंडसइंड बैंक, वो प्रमोटर्स की तरफ से इन्फ्यूजन, इसीलिए इंडसइंड बैंक रडार पे रहेगा आज। टाइटन, टाइटन सिर्फ इसीलिए क्योंकि ज्वेलरी एज अ स्पेस रडार पर रहेगी, रिटेल ज्वेलरी स्टोर्स वाली कंपनीज रडार पर रहेंगी क्योंकि आज इन्हीं का एक पीयर उसके सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ खुलने जा रहा है। और फाइनली एफएनओ कर्व में, वो जो स्टॉक कल मैंने मेंशन करा था, वो लिंगरॉन कंटिन्यू करेगा एफएनओ बैन में, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। शुक्रिया आशीष इन तमाम स्टॉक्स को बताने के लिए, समझाने के लिए, खबर बताने के लिए। आपके स्क्रीन पर जो प्री ओपन फ्रीज हुआ है, एक नया हाई आपकी स्क्रीन पे है, निफ्टी एट ऑल टाइम हाई 19400 की ट्रेजेक्टरी में ऑलमोस्ट खुलने की तैयारी करता हुआ। अनुज गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हालांकि डे ट्रेडर के लिए प्रीमियम ओपनिंग के साथ ही निकल जाता है, बट पोजिशनली हम लॉन्ग हैं, क्या अप्रोच रहेगी इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशली रिलायंस और कल निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के परफॉर्मेंस को देखने के बाद? अनुज बिल्कुल वीरो गुड मॉर्निंग। देखिए पोजिशनली एक लॉन्ग की व्यू रही है और कल भी क्लोजिंग में हमने एक चीज कही थी कि कैरी करिए इतनी बड़ी रैली के बाद भी, क्योंकि गैप डाउन नहीं होगा, गैप अप ही होने मार्केट में, डाउन हो भी तो आपको बाय का मौका मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी बुल मार्केट है ये, वो जो हमारे पोजिशनल 20,000 के टारगेट हैं वो इंटैक्ट हैं, बस पोजिशनल लॉन्ग अगर आप हैं तो अपने स्टॉप लॉस को अब ट्रेल करते रहें, और अब नया स्टॉप लॉस आपका 19100 हो जाएगा। एक्चुअली प्री ओपन थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, जो मेरी स्ट्रैटेजी है ये विदाउट प्री ओपन की थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है नई एंट्री के लिए आपको 19225 से 19275 मैंने बोला था, अब उसको थोड़ा एडजस्ट कर लें आप, 19250 से 19325 इस तरीके का बना लें और स्टॉप लॉस 19100 को अब 19150 पर ले जाएं, उस तरीके से अप्रोच करें। बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस यही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 45,000 का हमारा जो टारगेट था वो मीट हुआ बैंक निफ्टी में, और अब आप अपने स्टॉप लॉसेस को बढ़ाकर 44,800 पर ले आएँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को, और 44,800 से 500 के करीब अगर आपको बाय का मौका मिले तो वहाँ बाय करें। ब्रॉडर मार्केट में कहूँगा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा एक कॉशन ले आएँ अब, क्योंकि कल जो हुआ 40 में से 39 टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स ग्रीन में थे, पुअर क्वालिटी स्टॉक्स, पुअरेस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी स्टॉक्स थोड़े भाग रहे थे, वहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉशियस हो रहा हूँ। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में अब तक स्क्रीन ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो जो आपकी लॉन्ग ट्रेड है उससे कोई बदलने की जरूरत है। और देखिए एक और चीज़ में बोल रहा हूँ, शॉर्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है आपने इस मार्केट के बारे में। कल अगर कोई शॉर्ट करके गया होगा, सोचिए आज सुबह खुलते ही क्या हाल होगा उस शॉर्ट ट्रेड का, इसके लिए शॉर्ट के बारे में। और ओवरनाइट शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं सोचना है, इंट्राडे में अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ करें, लेकिन ये मार्केट बहुत ज़बरदस्त ट्रेंडिंग मार्केट है। और आप तो देखिए 19400 की तैयारी हो गई आज, अगर यहाँ प्री ओपन सही है तो हम सीधा 19400 पर खुलेंगे, और फिर वो जो 19500 का कॉल राइटर है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है वो भी थोड़ा सा प्रेशर में आएगा, लेकिन ज़बरदस्त ट्रेंडिंग मार्केट है वीरू, ये ज़बरदस्त ट्रेंडिंग मार्केट। जी हाँ, जोरदार ट्रेंडिंग मार्केट आपकी स्क्रीन पे, इट्स 19406। अच्छा एक बार एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर देते हैं जो कल अच्छा मूव देखे गए। कल डॉक्टर साहब एक बार टाइटन लेके आइएगा, टाइटन की ट्रेजेक्टरी को देखना चाहूँगा मैं यहाँ पर, करीब करीब 3047 पे। मानस बहुत संक्षेप में, एक अच्छा ब्रेकआउट था, हमने इसको चेज भी किया था पहले, बहुत संक्षेप में नया टारगेट टाइटन के लिए क्या होगा आज, लगभग फ्लैट ट्रेजेक्टरी में ओपन होगा, बहुत संक्षेप में। 3000 जब तक ट्रेड करता रहे उसके ऊपर ट्रेड करता रहे, खरीदारी करने के मौके हैं, 3000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 3230 की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके तो एफएमसीजी बास्केट में कुछ काउंटर्स जहां पर स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन हुए थे उसमें टाइटन भी शामिल था। चलिए अभी इस अगेन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग को मंगलवार को देखने के लिए चलते हैं बड़ी वॉल पे, अनुज के पास। अनुज ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू, और बिल्कुल शानदार ओपनिंग की तैयारी यहां पर इस समय मार्केट की, और 19400 पर निफ्टी के खुलने की तैयारी, 45,300 के ऊपर बैंक निफ्टी के खुलने की तैयारी, और कुछ स्टॉक्स जहां पर अपडेट्स आए थे वो आपके स्क्रीन पर आ ही रहे हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये सब स्टॉक्स हैं, IDFC ट्विंस, जिन पर हम आज नजर रखने वाले। चलिए
फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 19,400 पर ही खुले और अब 19,388, 19,392 तो मतलब 19,400 की ट्रेजेक्ट्री को मोर लेस रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 19,376 अब 56 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर 45,245 पर इस समय बैंक निफ्टी। कल निफ्टी आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, आज हालांकि ठीक ठाक शुरुआत है, ज़्यादा बहुत तेज नहीं लेकिन 90 पॉइंट के करीब निफ्टी आईटी इस समय ऊपर। निफ्टी मिड कैप करीब करीब 1/4% ऊपर है यहाँ पर, ये फ्रेश ऑल टाइम हाई निफ्टी मिड कैप के लिए करीब करीब। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसने कल ऑल टाइम हाई जड़ा था, आज करीब करीब 3/4% के गेंस यहाँ पर। लेकिन निफ्टी आईटी पर ध्यान रखिए, कल की प्रॉफिट टेकिंग के बाद थोड़ा ट्रैक्शन यहाँ पर लौट रहा है और अब निफ्टी वापस 19,400 पर और बैंक निफ्टी करीब करीब 45,300 के ऊपर। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 1578 एडवांसिंग स्टॉक्स और 298 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स आपके सामने इस समय। अच्छा मूव मार्केट में, निफ्टी करीब करीब 19,400 पर इस समय सस्टेन कर रहा है। चलिए अब एक बार बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं, उसके बाद निफ्टी का हीट मैप देखेंगे। सेक्टोरल इंडिसेस में सबसे पहले ऑटो इंडेक्स करीब करीब 1/4% ऊपर यहाँ पर, ऑटो इंडेक्स FMCG यहाँ भी करीब करीब 1/4% का गेन। उसके अलावा मेटल्स में करीब करीब फ्लैट कामकाज, तो चल क्या रहा है। फार्मा में भी कुछ खास नहीं। आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स शायद अच्छा मूव कर रहा होगा, कैपिटल गुड्स में अच्छा मूव, 0.5% की तेजी कैपिटल गुड्स इंडेक्स में और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये है इंडेक्स वॉच आउट करने के लिए। करीब करीब ऑलमोस्ट 1% की रैली आ गई यहाँ पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स एंड न्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस, 5.5% के मूव, वो क्वार्टरली अपडेट के बाद शानदार क्वार्टरली अपडेट्स थे वहाँ पर। और बजाज फिनसर्व ये भी करीब करीब 3.5% ऊपर। अच्छा एक बार आयशर मोटर से शुरुआत करेंगे। देखिए आज सुबह सुबह आपको वॉर्न किया था कि आज आयशर की तगड़ी पिटाई हो सकती है, 4% नीचे, अब बहुत ज़्यादा नीचे खुल गया सीधा, क्योंकि वो जो अपडेट थी वो जो बाइक है वो काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है और एक बड़ा कॉम्पिटिशन आ रहा है आयशर मोटर्स के लिए। भारती एयरटेल, ये शायद उस जियो के फोन का लॉन्च का इम्पैक्ट, करीब करीब 1.5% नीचे भारती एयरटेल। लेकिन गिरने वाले शेयर्स बस यही दो मेन है न्यूज ड्रिवन, उसके अलावा मार्केट देखिए आप 19,410 पर बजाज फाइनेंस 6% ऊपर इस समय। बजाज फिनसर्व भी ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, इन सब में बहुत शानदार मूव्स। ग्रासिम गावासर की पिकती यहाँ पर अच्छा मूव, लासन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर अच्छा मूव और TCS ये करीब करीब 0.5% ऊपर इस समय। रिलायंस फ्लैट है लेकिन निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर। वो क्वार्टरली अपडेट वाले जो स्टॉक्स हैं उनको लेकर आते हैं एक बार। बजाज फाइनेंस ऑब्वियसली सबसे ऊपर, वेदांता फ्लैट है, एवेन्यू सुपरमार्ट फ्लैट, हिंदुस्तान जिंक फ्लैट और वी मार्ट यहाँ पर करीब करीब 2% की तेजी इस समय। एक बार क्विकली बस IDFC ट्विंस और दिखा दीजिए मुझे, उसके बाद मैं वीरो के पास चलूंगा और बाकी के FNO स्टॉक्स जानने के लिए, क्योंकि निफ्टी में अच्छा मोमेंटम। IDFC देखिए अब ऊपरी लेवल से हल्का हो रहा है क्लियरली 2.79% और IDFC फर्स्ट बैंक देखिए 3.5% नीचे गिर गया है वीरो। इसलिए थोड़ा सा एक वार्निंग थी आज की, आज मत चेज करिए इन स्टॉक्स को, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। लेकिन FNO में क्या है जिम, अच्छा मूव है बाजार में और निफ्टी 19,400 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर भी अनुज काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्लेस्ड है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में अगर आप देखें बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। डायरेक्टर साहब जरा पहले बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग मूव क्वार्टरली अपडेट्स के बाद और एक बार बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर रखिएगा, स्पॉट और फ्यूचर दोनों रखिएगा, करीब करीब 7.5% ऊपर 1,781, क्या गजब का मूव है। और उसके बाद जरा आज स्पॉटलाइट में कैनरा बैंक का जिक्र किया गया था, उसको भी रखिएगा, फिर मैं कुछ दिग्गजों पे लौट के आऊँगा। और कैनरा बैंक जिसका स्पॉटलाइट में जिक्र किया गया था, इट्स 3-1, लगभग 3 रुपये ऊपर, 1% की मजबूती यहाँ पर है। उसके बाद जरा टाटा कंज्यूमर लेके आइएगा, जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ, टाटा कंज्यूमर और एक L&T, सिर्फ वो स्टॉक्स जो कि ऑप्शन एक्टिविटी के साथ अच्छा करते हुए। टाटा कंज्यूमर 860 के जोन में खुला हुआ है, अच्छा मूव यहाँ पर आता हुआ, और L&T करीब करीब 1% ऊपर 2480 के स्तर पे, यानी L&T का ये जो स्तर है वो इसके करियर का मेरे ख्याल से सबसे सर्वोच्च स्तर। यस, कल के इंटरडे हाई को ओवरटेक कर चुका है, दैट्स डूइंग वेल। और निफ्टी के बैंक के लिए अगर कुछ परफॉर्मेंस को देखें, आई मीन जो अच्छा कर रही हैं, लेट्स ब्रिंग SBI क्या कर रहा है। कल SBI ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, इट्स 586, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हुई हल्का सा, उसके बाद बैकफुट पे आ गया, बट कैनरा बैंक PSU बैंक में अच्छा करता हुआ। अनुज मेरे थोड़े परसेंटेज गेंस की थोड़ी दिक्कत है, मैं आपके पास तुरंत आना चाहूँगा, थोड़ा सा मेरा परसेंटेज गेंस का जो डेटा है अनुज मैं देख लेता हूँ, हल्का सा मैं देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा क्लियरली आज। लेकिन एक चीज़ है,
आज सिर्फ एक बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, उसके बाद गेनर्स में कोई बहुत ज्यादा एफएनओ में आपको नहीं दिखाई देंगे स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा सा चला है, ठीक है, टाइटन थोड़ा सा चला है, पीएनबी थोड़ा सा चला है, कैनरा बैंक थोड़ा चला है, एलटीटीएस में हल्का सा मूव है बस, उसके अलावा बाकी कुछ खास मूव है नहीं। जुबिलेंट फूडवर्क यहाँ पर एक थोड़ी सी तेजी है, लेकिन बजाज फाइनेंस के लिए आज का स्टॉक ऑफ द डे 7.5% ऊपर। और आयशर मोटर्स देखिए, उस सुबह जो हमारा थीसिस था एक्जैक्टली उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी हो गया है, 4% नीचे यहाँ पर। IDFC फर्स्ट बैंक 3.5% नीचे, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग अब 3% नीचे, ये PFC में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, और भारती पर थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आपको इस समय दिखाई देगा। चलिए फिर अब एक काम करते हैं, अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं। मार्केट में थोड़े से साइन हैं कि प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई है, खासतौर से मिड कैप्स में। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल आपका। क्विक सिंगल आई थिंक विल गो विद जुबिलेंट फूड, अच्छा लग रहा है मुझे, सेटअप के सही है, 504 पर ट्रेड कर रहा है, 500 का स्टॉप लगाना चाहिए, 515 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है जुबिलेंट फूड। यस, ओके, जुबिलेंट फूड वर्क्स गाबा सर की पसंद। शिवांगी भी जुड़ गई हमारे साथ शो में। शिवांगी गुड मॉर्निंग, शिवांगी आपके पे? जी बिल्कुल, मेरे रडार पे है बजाज फिनसर्व, काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और RSI जो है वो काफी पॉजिटिवली निकला है। यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि खरीदारी करें, 1690 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं, 1590 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ओके, दो ट्रेड्स हो गए, शिवांगी जी का ट्रेड हो गया बजाज फिनसर्व 1628, प्रकाश सर का ट्रेड हो गया जुबिलेंट फूड्स। मानस आप क्या पिक करेंगे? देखिए UBL में खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए UBL के पैटर्न अगर आप वीरेंद्र जी देखिए तो 200 डे मूविंग एवरेज पे काफी समय से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज की जो ओपनिंग है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की है और उसके बाद भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है वहां पर, तो आई थिंक करंट लेवल पे खरीदारी करनी है UBL में। 1514 के स्टॉप लॉस से आप UBL में खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ 1550 तक के टारगेट पॉसिबल है। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1530 वाला कॉल ऑप्शन UBL का लिया जा सकता है, माफ करेगा उसमें लिक्विडिटी नहीं है तो कैश में ही कॉल रहेगा UBL का। UBL के ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं है। आशीष महती जी आपकी कॉल क्या रहेगी? वीरेंद्र जी बायोकॉन में खरीदारी की सलाह रहेगी, अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस हिसाब से आज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बायोकॉन में स्टार्टिंग से ही दिख रहा है, काफी पॉजिटिव है। 263 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है, मुझे लगता है इसमें 277 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अच्छा, UBL के कॉल में वाकई में लिक्विडिटी नहीं है, ये वीरू ने सिर्फ मजाक में नहीं कहा, वाकई में लिक्विडिटी की कमी है वहां पर उस कॉल में UBL की वीरू। चलिए कविता जी की ट्रेड ले लेते हैं। कविता जी आपकी ट्रेड? कविता जी अनम्यूट करिए। कल ऑलरेडी PSU काउंटर्स में अच्छे मूव थे, इवन इन स्टेट बैंक एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करेंगे, 584 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 595-600 के लेवल्स के लिए स्टेट बैंक। चलिए राजेश पालवे जी आपकी पिक क्या होगी? पहले तो बजाज फाइनेंस पे एक अपडेट और आपके पिक इस समय की। काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग में मूव मिला है बजाज फाइनेंस में, कल BPST दिया था 7500, वो तो टारगेट को एक्सीड करके अब ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो हमें लगता है जिनके पास पोजीशन थी BTST ट्रेड की उन्हें काफी अच्छे रिटर्न बन रहे हैं तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर BTST पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लिया था, लेकिन काफी बड़े ब्रेकआउट अब यहाँ पे बने हैं, हमें लगता है कि आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है टुवर्ड्स 7650 और 7700 की तरफ तो वहां पे वापस से री एंट्री भी की जा सकती है स्टॉक में, तो जिन्होंने प्योरली BTST लिया था वो प्रॉफिट बुक करें स्टॉक में, काफी बड़े गेन देखने को मिले। अभी जो स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ट्रेंट का, ट्रेंट में देखें तो ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में जो टारगेट ड्यूरिंग द डे बन सकते हैं वो आना चाहिए करीब 1840 से लेके 1860 की तरफ, तो ट्रेंट फ्यूचर बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 1760 के आसपास, ट्रेंड पर दांव लगाना है आपको। राजेश सतपुते आपके पिक कर रहे हैं? अनुजी मैं बाय करूंगा TCS, मेरी नजर है IT स्टॉक्स पे, TCS मुझे लगता है आज के लिए टारगेट होगा 3350, अगर कल का आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो करीबन 3280-3290 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3280 का, पर इनिशियल टारगेट्स चेस करेंगे 3350-3360, सो इट्स अ बाय इन TCS। आई थिंक IT फिर से यहां पे रैली जो है परसों वाली
कल का पॉज था, आज फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। जम एक बात तो है, वही एग्जैक्टली राजेश जी मैं देख रहा था, और निफ्टी आईटी का जो इंटरनेट चार्ट है वो कर क्या रहा है। देखिए परसों के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद जब इसने सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया था, और इनफैक्ट वो वीकली क्लोज काफी बड़ा था, काफी अच्छा था, आज एक बार फिर से हम परसों के इंटरडे हाई को बाइसेक्ट करके ट्रेड करते हुए, और आई थिंक वो बायबैक स्टोरी जो है वो टीसीएस को टोस पे रखते हुए, इट्स नाउ 3301। यस, आज का इंटरडे लो करीब करीब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो जोन है वो रखता हुआ। अच्छा, रिलायंस हल्का सा बैकफुट पे है, हल्का सा बैकफुट पे है, तो कल जो हमारे पास एक रिलायंस का एडवांटेज था वो फॉर द टाइमिंग नहीं है। बट पीएसयू बैंक्स में आइए, जरा एक बार स्पॉटलाइट में जिक्र हुआ था कैनरा बैंक का, यस इट्स डूइंग वेल, 320 का स्तर यहाँ पर है, और ये जैसे कि अनुज ने तथ्य एक आज बहुत अच्छी तरीके से रखा था, एक तो मल्टी डेकेड मतलब 13 साल का जो रेंज ब्रेकआउट, प्लस इसमें एक बहुत ही खूबसूरत, याद रखिएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, साथ ही साथ एक फ्लैग उसका ब्रेकआउट स्क्रीन पे 321। अनुज अच्छा करता हुआ, मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक से बाजार अब धीरे धीरे अनुज फोकस करना शुरू कर रहा है एक बार, 321 आपकी स्क्रीन पे कैनरा बैंक। फिर वो और पीएसयू बैंकों में वैल्यूएशन कंफर्ट है मार्केट में। देखिए अब एक चीज आ रही है, अब मार्केट थोड़ा सा उन स्टॉक्स पर भी फोकस करना चाह रहा है जहां पर एटलीस्ट थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है इन लेवल पर, और वो आई थिंक पीएसयूज में है, क्लियरली पीएसयू बैंकों में है। ये भी एक कारण हो सकता है कि यहां पर आप थोड़ी सी बाइंग देख रहे हैं, लेकिन क्लियरली आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप आईटी पर फोकस करें, लग रहा है कि आज थोड़ा सा एक लार्ज कैप आईटी में एक मूव बन रहा है, क्योंकि कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन अब निफ्टी आईटी फिर से 29600 क्रॉस करता हुआ और अच्छे मूव्स दिखा रहा है। मेरे ख्याल से कल के सारे लॉसेस जो हैं वो अब ये कवर कर रहा है यहाँ पर, और ये एक शायद इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है यहाँ पर। फिर भारतीय एयरटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2% नीचे है भारतीय एयरटेल इस समय। मेरे ख्याल से वो जो काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग जियो के फ़ोन की आई उसको लेकर शायद मार्केट थोड़ा सा नर्वस है। अब पता नहीं, नॉर्मली लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो इस डिप में बाइंग आई थी, आज ये होता है कि नहीं ये देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली आज थोड़ा सा मार्केट नर्वस है। लेकिन मेरी नज़र इस समय लार्ज कैप आई टी पर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्रेश मूव्स शुरू हुए हैं, और राजेश जी ने खैर टी सी एस चुना, लेकिन उसके अलावा विप्रो टेक, महिंद्रा, एच सी एल टेक, इन सभी स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आने शुरू हुए हैं। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे तो अभी भी खैर बजाज फाइनेंस ही है, करीब करीब 7.5% के मूव्स खुला ही, खैर ये गैप अप के साथ, बहुत बड़े गैप अप के साथ खुला, तो पता नहीं लोगों को आज मौका मिला होगा या नहीं मिला होगा। हाँ, कल जो बीटीएसटी करके गए और चैनल पर सजेस्ट किया गया था कल बीटीएसटी ट्रेड ये, और कल दिन में भी सचिन ने भी इसको पिक किया था, यहाँ पर खैर शानदार मूव्स आ रहे हैं और सारे के सारे टारगेट्स यहाँ पर हिट हो रहे हैं बजाज फाइनेंस पर इस समय, सचिन के भी और राजेश भालवे जी के भी, दोनों ने कल स्टॉक को लिया था, दोनों के टारगेट्स यहाँ पर हिट हुए। एक बार जरा विप्रो का चार्ट चेक लेते हैं, मानस एक बार जरा विप्रो देखिए, कोई व्यू यहाँ पर? देखिए विप्रो ने दो दिन पहले कुछ साइन दिए थे, क्योंकि स्टॉक ने अपने 20 डे 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज पे एक ही दिन में ब्रीच किया था, और पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 400 है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी विप्रो में। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 391 का स्टॉप लॉस लगाइए और 403 के टारगेट सेट करिए। ओके, विप्रो 395.75 पे ट्रेड करता हुआ, इज डूइंग वेल, और बजाज फाइनेंस धीरे धीरे अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाता हुआ, याद रखिएगा इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है 8025। मीनवाइल प्रकाश सर ने जो पहला ट्रेड पिक किया था इट वाज आई थिंक जुबिलेंट फूड्स, और जुबिलेंट फूड्स का इंटरेस्ट चार्ट लेके आइए। प्रकाश सर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार वो ट्रेड आपका पिक किया गया था 504 पे, अभी अभी स्पॉट जो है मैं स्पॉट पे टिप्पणी करूंगा 510 का हाई लगा के आया, वाकई अच्छा करता हुआ। UBL का जिक्र मानस ने किया था, एक बार UBL भी लेके आइए, हल्का सा जो ट्रेड्स हमने इनिशियली लिए थे, मतलब अगर खुलते ही साथ ट्रेड्स पे अच्छे स्विंग मिल जाएं तो बुक करके कुछ देर के लिए बैकफुट पे आना कोई खराब नहीं होता, याद रखिएगा। ये कॉल स्क्रीन पे 1527 पे गई थी, 1538 का अभी स्पॉट हाई लगा के आया है, दैट्स डूइंग वेल। मैं मिड कैप आईटी में आना चाहूंगा, बात करते करते मिड कैप आईटी में जब अनुज और मैं बात कर रहे थे लगभग लगभग 80-90 पॉइंट का एक मूव आया था, मेरे स्क्रीन पर सडनली अपीयर हुआ कोफोर्ज, इट्स 4724। राजेश पालविया जी, कोफोर्ज को कैसे अप्रोच करेंगे आप, और यस पिछले 4-5 दिन के जो प्राइस जोन है उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूं ऑन द हायर लेवल्स, कल निफ्टी आईटी ने रेस्ट भी लिया है, कैसे अप्रोच करेंगे आप कोफोर्ज को? तो काफी स्ट्रांग स्ट्रक्चर है मिड कैप आईटी में अगर हम देखें तो कोफोर्ज का, और जिस तरीके से सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन या डेली चार्ट पे विजिबल है, एक सस्टेन अप ट्रेंड हमें लगता है यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है।
ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि अगर आज के सेशन में 47.75 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ हमें लगता है 48.80 4900 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। हमें लगता है मिड कैप आईटी में एक क्लियर अप ट्रेंड के यहाँ पे साइन बिल्कुल बनते हुए दिख रहे, तो कोफोर्ड्स पे पोजीशन लॉन्ग साइड का रखना चाहिए, 4700 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड में 48.80 4900 हमें लग रहा है इसमें टारगेट जल्द आते हुए दिखेंगे। ओके कोफो जो 47-32 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, डायरेक्टर साहब एक कॉल लेके आइएगा 590 की डाबर की कॉल लेके आइएगा। आशीष बहती जी, डाबर अब मैं देख पा रहा हूँ कि सितंबर 2021 से लेकर अब तक के तीन हाईज को अगर मैं जोड़ूं तो लग रहा है कि ये उस जोन को बाइसेट करने को तैयार है। इट्स 990 ₹9.90 स्क्रीन पे प्रीमियम है। आपका व्यू क्या कहता है, क्या क्योंकि ये सीरीज की बिगिनिंग है मात्र, क्या इस ऑप्शन पे फोकस करें 990 पे? ये मल्टी ईयर स्टॉपिंग लोअर चैनल अगर बाइसेक्ट हुई तो कितना स्विंग देगा ये स्टॉक? इनफैक्ट ये कल भी हमारे रडार में था और जिस हिसाब से अब ये बॉन्जी बैंड के अपर बैंड पे ब्रेकआउट दे रहा है, मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि 600 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, ये जो कॉल आपने बताया 990 का, इनफैक्ट अब बात करते करते 11:15 हो चुका है, इस पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब करीब ₹7 का वैसेल मेंटेन, मुझे लगता है कि इसमें करीब करीब ₹19 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, विप्रो की बात की थी, बाकी आईटी स्टॉक्स में इंफोसिस में अच्छा मूव, टीसीएस में अच्छा मूव, इस समय लार्ज कैप आईटी में क्लियरली अच्छा मूव, उसके अलावा एसबीआई और बीओबी इस समय डे हाई पर, बजाज ऑटो यहाँ पर भी डे हाई पर स्टॉक। अच्छा, बजाज की भी प्राइसिंग आनी है उस बाइक की, तो क्लियरली मार्केट का थोड़ा फोकस इन टू व्हीलर स्टॉक्स पर। आयशर मोटर्स में इस डिप पर क्या करें, अब आयशर मोटर्स करीब करीब 4% नीचे, ये एक सवाल होगा। और दूसरा सवाल, अब एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वापस लेकर आइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी, अब आईडीएफसी लेकर आइए, बजरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो बात हो गई, आईडीएफसी लेकर आइए। और देखिए वीरो, ये ना इसलिए मैंने आज वॉर्न किया था आपको सुबह सुबह, जो बिग स्टॉक्स में मैं डिस्कस करता हूँ कि आज जो गैप अप होगा उसमें दोनों में सेलिंग आएगी, क्योंकि मार्केट का क्लासिकल बिहेवियर होता है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, और ये आज एग्जैक्टली उसी तरीके से प्ले हो रहा है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो ऑब्वियसली क्योंकि वो जो स्वॉप रेशियो है उसका भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन आईडीएफसी में भी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ये देखिए, ये आईडीएफसी, और ये सुबह सुबह वार्निंग थी कि आज चेज मत करिए इसको। मानस, अब इन स्टॉक्स में वो जो रैली आपने पूरी प्ले की थी, क्या वो पूरी मैच्योर हो चुकी है या अभी भी डिप्स पर बाय करेंगे इन स्टॉक्स को? देखिए, डिप पे बाय करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो देखिए, अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो वो जो पिछला हाई था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 83 रुपीज 84 रुपीज के आसपास का हाई था, और वहां पर टेस्ट होने के बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन स्टॉक अभी भी 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी भी आप डिप पे खरीदारी कर सकते हैं, या तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, और स्पेशली जब तक ₹70 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा आई थिंक यहाँ पर आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। आईडीएफसी लिमिटेड में भी देखिए, यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, और मेरा समझना है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आप ₹100 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर ही बने रह सकते हैं, लेकिन आपका आउटलुक जो है वो मीडियम लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सुबह आपने जो रिव्यू में सुना ही था कि क्या करना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा अगर आप ये स्टॉक अब सुस्त पड़ता हुआ, और लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है जनाब वो हर चीज पे अप्लाई होती है। और अब थोड़ा सा मैं निफ्टी बैंक को देख रहा हूँ कि थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ, सुस्ता था हुआ, और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप यकीन मानिए 27 जून से लेकर अब तक, मतलब अगर मैं 27 जून के इंट्राडे लो को कंसिडर करूँ तो लगभग, एक सेकेंड, 43,651 से 44,651, और उसके बाद ऑलमोस्ट अगर मैं कल के हाई को देखूँ तो 1800-1900 पॉइंट के स्विंग के बाद आई थिंक एक रेस्ट बेहद ज़रूरी है। हालांकि अभी भी आई मीन HDFC बैंक और ICICI बैंक जब कंट्रीब्यूटर्स के साइड में सबसे पहले ऊपर खड़े हों तो बहुत कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, बट यस, लॉ ऑफ ग्रेविटी लगता है हर तरफ। मैं सीमेंट में देख रहा हूँ कुछ बाइंग नजर आ रही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, पहले राजेश जी के पास एक कॉल है, उसको सुन लेते हैं। राजेश जी, क्या पिक किया आपने? देखिए, मेरी नजर है टाटा केमिकल पे, आई वाज वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट, और जिस तरह से आपका पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होगा 1050 का, तो आपको बाय करना है टाटा केमिकल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1000। दीज आर स्पॉट लेवल, कैश लेवल, वही चार्ट मैंने अभी लगाया, तो इट्स बाय इन टाटा केमिकल। डायमेट्रिक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, बढ़िया ब्रेकआउट है।
टाटा केमिकल। अच्छा मैं वाकई राजेश जी आप मानिए कि मैं कुछ केमिकल स्टॉक्स को देख भी रहा था, आपने टाटा केमिकल्स पिक कर लिया, यस बहुत ही खूबसूरत जगह पे, और 3 फरवरी 2021 मतलब 23 से लेकर अब तक की जो एक छोटी सी चैनल है उसके हाईएस्ट क्लस्टर को ये स्ट्राइक करता हुआ, एक सेकेंड 2018 में टाटा केमिकल का ये प्राइस मेंशन कर लेता हूँ, ये बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट है। मैं यूपीएल को देख रहा था, यूपीएल क्या कर रहा है, यूपीएल भी लेके आइएगा क्योंकि यूपीएल में भी कुछ ऑप्शन एक्टिविटी मेरे को विजिबल थी, बट अभी तक यूपीएल बहुत क्लियरली नहीं निकल पा रहा है। दिक्कत यह है कि यूपीएल ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए लेकिन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं क्रॉस कर पा रहा, और वो एवरेज आज के लिए प्लेस्ड है लगभग 690 के जोन में, तो 690 की जोन आएगा तो देखेंगे, बट अभी फॉर द टाइमिंग वो नहीं है। अभी कमेंट्स लेके आइएगा एक बार, कैपिटल गुड्स स्पेस में कमेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। इट्स 1912 अच्छा करता हुआ लेकिन अब थोड़ा सा यस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाहर निकलता हुआ। एक बार कविता जी जरा कमेंट्स को देखिएगा और अपना जो अनम्यूट बटन है वो पहले दबा दीजिएगा। कमेंट्स पर आपका टेक क्या है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाहर निकलता हुआ? है अभी 1912 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है, कैपिटल गुड्स में कुछ मूव बनते हुए दिख रहे हैं, सिमेंट्स अपने 10 मा के ऊपर अच्छे से प्लेस्ड है और आज लोअर लेवल से एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा है। 1918 के लेवल्स को ये निकालता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस काउंटर पे 1933 का है, तो 1933-1945 के लक्ष्य के लिए सिमेंट्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1890। चलिए अब आपको अपना सीक्वेंस बताते हैं, जो चार बड़ी ट्रेड्स हम लेकर आएंगे आपके लिए चार का चौका में। राजेश पालविया से आज सस्ता ऑप्शन लेंगे, एफएनओ सुपरस्टार के लिए शिवांगी हमारे साथ हैं, कविता जैन से आज चार्ट का चमत्कार लेंगे और मिड कैप पंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी इनसे बात करेंगे। तो ये चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए। मिड कैप इंडेक्स अब रेड में आया लेकिन एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान रखिए, करीब करीब ऊपरी लेवल से हल्का हुआ मिड कैप इंडेक्स और एडवांस डिक्लाइन जो 4:1 से शुरुआत हुई थी उसकी अब करीब करीब 1.6:1 और यहाँ पर एक क्लियर कट प्रॉफिट टेकिंग है। दो तीन स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी प्रॉफिट टेकिंग है, सारी की सारी NBFCs, L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स जरा एक के बाद एक लेकर आइए। कल बाय द वे टॉप गेनर था L&T फाइनेंस, आज डाउन 4%, M&M फाइनेंस में करीब करीब 2% की गिरावट और LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी अच्छी गिरावट इस समय स्टॉक में। तो शिवांगी कोई व्यू आपका M&M फाइनेंस या L&T फाइनेंस पर? जी बिल्कुल, M&M फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो काफी पॉजिटिव है, बल्कि हमें पिछले वीक से ही ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा था। आज हल्का सा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी काफी पॉजिटिव है क्योंकि सपोर्ट बेस इसने तोड़ा नहीं है, तो थोड़े और डिप्स की हम वेट करें इसमें फिर हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर 350 तक के जो लेवल्स है वो बनते हुए दिख रहे हैं, 330 के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ध्यान रखें। चलिए ये बात हो गई फाइनेंस स्टॉक्स की, एक बार जरा रिलायंस को रिविजिट करते हैं फिर से क्योंकि रिलायंस निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आई है एक बार। कल रिलायंस बाय द एंड सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था अपसाइड पर, आज रिलायंस देखिए करीब करीब 23 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है डाउन साइड पर। इस पर एक और चार्ट चेक हो जाए जरा एक बार इस पर, राजेश सतपुते क्या व्यू होगा रिलायंस को लेकर? जी देखिए, आज प्रॉफिट टेकिंग तो डेफिनेटली दिख रही है और कहां तक आ सकते हैं, मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट का लेवल है वो लेवल है इसका करीबन करीबन 2585 फ्यूचर में। मुझे लगता है ये 2580-2590 की ट्रेजेक्टरी को एक बार के लिए हिट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग क्योंकि ये जो लेवल है ये फिर से सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा काउंटर, तो मेरा जो रहेगा वो व्यू बाय वन डिप का ही रहेगा। तो इस लेवल के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे बाय ही करना चाहिए और मुझे लगता है आज का दिन थोड़ा पॉज लेगा क्योंकि IT लीड ले रहा है, तो यहाँ पे रिलायंस प्रोबेबली कूल ऑफ होगा। रिलायंस कूल ऑफ होता है, याद रखिएगा ये रिलायंस का डिस्कशन अनुज ने या फिर मैं भी अगर कर रहा हूँ तो सिर्फ इंडेक्स का प्रोस्पेक्टिव समझने के लिए, अभी कोई ट्रेड व्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है। रिलायंस बैक फुट पे लेकिन कभी भी कोई ट्रेड लें डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन CNBC आवास का रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कंप्लीटली बैक फुट पे इंडाइसिस आते हुए और अच्छा भी है, देखिए जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो तब तक बता
डे ट्रेडर्स के लिए ट्रेडेबल बनेगा भी नहीं, वो हो रहा है, अच्छी बात है ये। अनुज एक काम करते हैं, चार के चौका के सीक्वेंस को शुरू करते हैं। याद रखिएगा, चार का चौका, चार ट्रेड आपकी स्क्रीन पे आएंगे और एक एक करके राजेश पालवी, शिवांगी, कविता जैन और नरेंद्र सोलंकी अपने अपने ट्रेड्स देंगे। सस्ता ऑप्शन राजेश पालवी जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप, सस्ता ऑप्शन? विनय जी फोकस में है स्टॉक हीरो मोटर और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं और ओपनिंग के बाद से जो बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना है, हमें लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा। 3000 प्लस तक की मोमेंट हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो 2960 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का ही हम बाय करने की सलाह देंगे, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 71 रुपीज के आसपास, यहाँ पे बाय करने की सलाह। और अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 100 रुपए से 110 रुपए तक के अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 55 रुपए का। 2960 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है हीरो मोटर के, हीरो मोटर का ऊपर बाय करना है आपको ये समय। 59.60 का कॉल ऑप्शन राजेश पालवे की तरफ से। शिवांगी के पास चलते हैं एफएनओ सुपर स्टॉक के लिए। शिवांगी क्या ट्रेड है आपके? जी बिल्कुल, मेरे रडार पे भी हीरो मोटोकॉर्प ही था, पर क्योंकि डिस्कस हो चुका है तो मैं शिफ्ट फोकस कर रही हूँ टाइटन पे। यहाँ ये स्टॉक भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। वीकली फ्रेम में हमने देखा है वीक ऑन वीक बेसिस में स्टॉक जो है अपने सपोर्ट्स को हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है और पिछले सीरीज में हमने 92% के ऊपर का काफी एक अच्छा रोल ओवर देखा है और स्टॉक जो है अपने रेंज से निकल के कामकाज कर रहा है, अच्छी तरह से होल्ड भी कर रहा है डेली फ्रेम में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि अब करे अपसाइड जो है यहाँ पे करीबन 3200 तक का एक्सपेक्टेड है, 3000 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हैं। ओके चलिए टाइटन, वैसे पहले पिक शिवांगी की भी हीरो ही थी लेकिन हीरो राजेश पालवी ने ले लिया तो इसके लिए अब टाइटन पर फोकस यहाँ पर। चलिए अब कविता जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। कविता जी सो अनुज जी, लाइक कैपिटल गुड्स में क्विमिंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मुझे लगता है वहीं पर एक अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए देखने चाहिए, तो मैं रिपीट करूंगी और क्विमिंस होंगी अगेन 1933-1954 के प्राइस टारगेट्स के लिए क्विमिंस इंडिया पर बाय ट्रेड इनिशिएट करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 18 लाख। कमेंट्स 1920 अभी कुछ देर पहले मैंने कविता जी से ट्रेड लिया ही था ये और ये कमेंट्स डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अब लेते हैं आज का मिड कैप फंडा। नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, बताइए मिड कैप में आज क्या पिक कर रहे हैं आपका मिड कैप फंडा? गुड मॉर्निंग जी, आज का हमारा स्टॉक कंज्यूमर स्पेस से है और कंज्यूमर में भी कंपनी लगे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज। जैसा हमने देखा H1 करंट ईयर का सबड्यूड रहा है लेकिन H2 में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी की और रिसेंटली अगर हम देखें तो 15% का ग्रोथ एज्यूम कर रहे हैं हम लोग और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी नेक्स्ट ईयर 400 बेसिस पॉइंट से ऊपर का होने वाला है और जो करंट H2 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है बिकॉज फेस्टिव सीजन काफी अच्छा होने वाला है और इसमें हमारा टारगेट 750 का रहेगा, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज में बाय करके चल सकते हैं। वीआईपी में बाय करना है आपको, तो चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प से शुरुआत हुई, राजेश पालवे ने इसका कॉल ऑप्शन लिया और यहाँ पर आज टॉप गेनर्स में शुमार ये स्टॉक। 81 रुपये पर इस समय 100-110 के टारगेट और 55 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार में शिवांगी ने टाइटन फ्यूचर्स चूज़ किया, 3200 के टारगेट, 3000 का स्टॉप लॉस। कविता जैन ने कमिंस यहाँ पर बेट किया, 1935 और 1950 के टारगेट, 1890 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। और उसके अलावा नरेंद्र सोलंकी ने वीआईपी पर एक बाय कॉल दिए, वीआईपी पर आपको बाय करना है। तो ये कुछ स्टॉक्स, मार्केट है डेज लो और खासतौर से बैंक निफ्टी एक बजे लेकर आई है। बैंक निफ्टी रेड में जाने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यहाँ पर भी अब हायर लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर एक्सपायरी डे पर, हालांकि बजाज फाइनेंस की वजह से ये इंडेक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है करीब करीब 0.6%। आयशर मोटर्स अब 5% नीचे और IDFC फर्स्ट बैंक 5% नीचे। L&T फाइनेंस यहाँ पर भी गिरावट 4% नीचे। इनफैक्ट काफ़ी स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है आपको। अशोक लेलैंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गुजरात गैस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग विजिबल है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रैग मार्केट पर आज रिलायंस की वजह से। रिलायंस अब एट डेज लो करीब करीब 1.5% नीचे ये स्टॉक इस समय आपको दिखाई देगा। एक स्टॉक घूमा है इंट्राडे एक बार जरा और इसकी चाल समझते हैं कविता जी से। डेल्टा कॉप लेकर आइए एक बार जरा इंट्राडे चार्ट डेल्टा कॉप का। कविता जी देखिए सुबह स्टॉक नीचे खुला लेकिन अब इस समय डे हाई पर, कोई अप्रोच यहां पर?
डेल्टा को आपको मैं देख रही थी, लेकिन कल का हाई निकलना इसके लिए इम्पोर्टेंट है. वंस 256 के लेवल्स को ही क्रॉस करता है तो पिछले कुछ दिनों का जो हमने एक डाउनसाइड मूव देखा है लास्ट 3 डेज का, वो भी निगेट होते हुए निकलेगा. सो 256 के ऊपर मुझे लगता है 259-262 के लेवल्स की तरफ डेल्टा को मूव करता हुआ देख सकता है. वंस वो क्रॉस हो तब स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 252 का, तो कंडीशनल होगा ओनली अबाउट 256. चलिए हो गई बात डेल्टा कॉप की. अच्छा एक बार वो जो नीचे फ्लैश कर रहा है एचएमए एग्रो 5% प्रीमियम पर ये लिस्ट कर रहा है स्टॉक, आईपीओ में रिस्पांस कोई बहुत अच्छा नहीं था, 1.5 गुना भरा था ये. हमने मैनेजमेंट से बात की थी और इंडिया में शायद थोड़ा एक टैबू है इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि ये मीट एक्सपोर्ट की कंपनी है, फ्रोजन मीट एक्सपोर्ट, और जो मीट ये यूज़ करते हैं वो बफेलो मीट है. इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा फंड मैनेजर्स भी लेने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे इस स्टॉक को, लेकिन अच्छी लिस्टिंग है कंसिडरिंग कि डेट टाइम से इशू सब्सक्राइब हुआ था. लिस्टिंग अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ प्रोफाइल काफ़ी शानदार रही है वीरू, और मुझे लग रहा है कि ये ठीक ठाक प्राइस पर आया था स्टॉक, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको अगर आपको लिस्टिंग में मिला एलोकेशन मिलना चाहिए था सबको, तो आपको रखना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि ये अगर जो इसकी कंपाउंडिंग रही है अगर इसको रिपीट कर पाता है तो आगे जाके एक अच्छा स्टॉक बन सकता है. लेकिन हाँ, हमेशा एक स्टॉप लॉस का ध्यान रखें. तो मेरे ख्याल से इशू प्राइस से और 5-10 रुपये नीचे 580-570 वहाँ का स्टॉप लॉस लगा लें. लेकिन अच्छी कंपनी है ये और अच्छे प्राइस पर आई थी, बस एक टैबू है थोड़ा सा टॉपिक, इसके लिए शायद ज़्यादा लोग इन्वेस्ट ना करते हो, लेकिन लिस्टिंग शायद ठीक ठाक ही होगी वीरू. ओके, तो अनुज मानते हुए कि आप एग्जैक्टली इशू प्राइस के थोड़ा सा नीचे एक अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और वैसे अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप होल्ड कर सकते हैं. करीब करीब 5% के प्रीमियम के साथ 615 पे एचएमए एग्रो की लिस्टिंग होने की तैयारी होती हुई. अब और कुछ स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, एक एक, एक व्यू ले लेते हैं बस उन पे. कल आपको याद होगा हम मजाक में ही सही लेकिन सेक्टर का डिस्कशन कर रहे थे लेकर स्पेस का, रेडिको खेतान ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव लिया था, उस वक्त यूएसएल का जिक्र हुआ था. हाँ जी, मानस की यूपीएल कॉल थी. मानस, एक बार मैं आपसे फिर पूछूंगा, यूएसएल पे आपका व्यू क्या है? अब इसमें वो नवंबर 21 उसके बाद दिसंबर 2022 ये पूरी की पूरी लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1.5-2 साल की जो चैनल है वो बाइसेक्ट होती हुई हायर साइड पर. आपका टेक यूएसएल पे इस वक्त ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है उस ट्रेंड लाइन पे शायद इस बार वो ब्रेक करेगा स्टॉक और 975 और शायद 1000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी. करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आई थिंक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा. 910 रुपए के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 960-975 के आसपास के रहेंगे. ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो इस मंथ का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, जो 930 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी करिए. 26 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं. यहाँ पर आप एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 45 रुपीज के टारगेट सेट करिए. ओके, यूएसएल की आपकी 930 की कॉल, जो तरलता यूबीएल में नहीं थी वो तरलता मानस को यूएसएल में मिलती हुई. अच्छा, मैं एक स्टॉक को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, ये अच्छा अभी भी नहीं कर रहा है बट रिकवरी डेलो से काफी सब्सटेंशियल है, दैट्स आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स. राजेश सतपुते जी, प्रीएम्प्ट करना है, पिछले 20 मिनट के इसके मूव को देखिए, इट्स डूइंग वेल, डे हाई की डायरेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ, मॉर्निंग शुरुआती टिक्स के हाई को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ है. चैनल बढ़िया, बस इसने रेस्ट बहुत ले लिया है इस चैनल में. 5115 पे आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे इस वक्त? जी, मेरे हिसाब से एक बढ़िया पिक आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि इसने अपने 10 DMA को कंप्लीट रिस्पेक्ट दिया है. जो सुबह का डिप था वो पूरा का पूरा डिप बाइंग के लिए तब्दील हो चुका है. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कम से कम 5200-5220 तक का इनिशियल स्विंग मिलना चाहिए. तो यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बनानी है और स्टॉप लॉस जो है वो 5100 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 10 रुपए नीचे रखे, यानी 5100 के नीचे यानी 5090 का आसपास स्टॉप लॉस रखे और मेंटेन करे इस लॉन्ग पोजिशन. मुझे लगता है आज मार्केट में थोड़ा सा अलग फ्लेवर ही अलग है, अपोलो हॉस्पिटल भी यहाँ पे मुंह देना चाहिए. ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर आपको बेट लेना है. चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस कर लेते हैं. यतिन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और ऑब्वियसली स्टॉक ऑफ द डे आज कोई हो तो वो बजाज फाइनेंस, और जबरदस्त 32% की AUM ग्रोथ, और मॉर्गन स्टैनली का यहाँ एक ओवरवेट कॉल है 9250 के टारगेट के साथ,
और ब्रोकरेजेस का मानना यह है, खास करके मॉर्गन स्टैनली का, कि जो कंसर्न्स थे ग्रोथ को लेके, लोगों को लगता था ये 20-25% ग्रो होगा, लेकिन जिस हिसाब से कंसिस्टेंटली कंपनी 30% से ज्यादा की ग्रोथ बता रही है अपने AUM और एडवांसेस में, कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस को लगता है यहां से वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है और यहां से फर्दर अपसाइड आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। आज करीब 7,800 के पार है स्टॉक, लेकिन यहां से भी जो है मॉर्गन स्टैनली को तेजी दिखती है। IDFC फर्स्ट बैंक और 5% नीचे ये स्टॉक, ऑब्वियसली मर्जर का अनाउंसमेंट था, रेशियो IDFC लिमिटेड के फेवर में था और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बाजार की थी थोड़ा बहुत स्टॉक स्टेबल रहेगा, उसके कॉन्ट्ररी स्टॉक में 5% की मंदी आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आइशर मोटर्स और ये स्टॉक निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है, ऑटो पैक में सबसे बड़ा आज का जो है फॉल आपको आइशर मोटर्स में दिख रहा है लगभग 4.5% का। हीरो मोटोकॉर्प और हार्ली डेविडसन ने जो मोटरसाइकिल लॉन्च की है प्रीमियम कैटेगरी में, वो डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड के साथ कॉम्पीट करती है और प्राइसिंग भी काफी अग्रेसिव रखी है, लगभग 2.25 लाख रुपए से शुरू होती है हार्ली डेविडसन, तो कहीं ना कहीं इसका रब ऑफ इफेक्ट आज स्टॉक में आपको दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल यतिन, शुक्रिया बहुत बहुत। आइशर मोटर्स सुबह हमने इसका एनालिसिस भी किया था कि शायद आज टॉप लूजर्स में शुमार हो ये, और बजाज फाइनेंस में देखिए क्या शानदार मूव्स रहे हैं। एक कमिंस में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, वो पिक किया कविता जी ने, वीरू ने भी डिस्कस किया था उसको, अच्छे मूव्स यहाँ पर आए। उसके अलावा एक बार जरा डिक्सन का स्टॉक लेकर आई, डिक्सन ने हालांकि कल भी मॉर्निंग के ब्रेकआउट में फेलियर दिखाया था, आज फिर से एक मूव बन रहा है क्या, लेकिन यहाँ पर मानस कोई अप्रोच यहाँ पर, क्योंकि कल इसने डिसअपॉइंट किया था पहले घंटे के बाद। देखिए 220 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन आई थिंक अभी खरीदारी नहीं करनी है। अगर 44-40 के ऊपर डिक्सन जाएगा तब यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तब वापस आपको 46-80, 46-90 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अपनी पोजिशन में आप बने रहिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन है 20 डे मूविंग एवरेज 40-50 के आसपास है वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन फ्रेश खरीदारी 44-40 के ऊपर करेंगे। ओके अच्छा जरा आप एक बार निफ्टी लेके आइए, और निफ्टी के अगर आप ट्रेडर हैं और पिछले 4-5 दिन में अच्छा पैसा बना है, तो बस एक आपके लिए अपडेट है, अभी तक कल भी परसों भी और उससे पहले वाले दिन भी निफ्टी ने इंटरडे बेसिस पे डिप दिए हैं, बट वो डिप बड़ा कंट्रोल होता था और प्रीवियस डे का स्विंग हाई कभी वॉलेट नहीं होता था, यानी इस वक्त प्रीवियस डे का स्विंग हाई अगर आप मान के चले इट वॉज 19,344, ये निर्णायक रहेगा। अगर निफ्टी को किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी और ट्रेजेक्ट्री को बदलना है तो पहला सिग्नल शायद वही दे। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, इट्स 45,111, और मैं इसको भी देखूं तो इसने भी पिछले लगभग 1, 2, 3 और 4 सेशन में पिछले डिप को नहीं वॉलेट किया था, और आज का हाई मोर और लेस कल का हाई था, बट अभी तक हालांकि लो वॉलेट नहीं हुआ, बट थोड़ा सचेत रहिए मार्केट में। अनुजी बात पहले ही कह चुके थे काफी हद तक, और निफ्टी आईटी का भी स्विंग जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ता हुआ 29,650 की ट्रेजेक्ट्री से रिट्रेस होकर करीब करीब 100 पॉइंट 29,555 पे आके ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स का मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ जो कि इस वक्त अच्छा मूव जनरेट कर रहे हैं, बस PSU बैंकिंग बास्केट में PNB, याद रखिएगा मैं ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा हिचकिच जा रहा हूँ, बट फिर भी इसका एक व्यू ले लेता हूँ। आशीष बहती जी, PNB पे आपका व्यू, PSU बैंकिंग बास्केट, और ये शायद फरवरी के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में आ चुका है, आपका टेक PNB पे इस वक्त? जिस हिसाब से मूव आया PNB कैन बैंक और कल का बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत इंप्रेसिव स्ट्रक्चर है, और PNB में तो आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग भी बहुत अच्छी देखने मिल रही है, और तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है इन लेवल्स पे भी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है थोड़ा सा डीप एसएल मेंटेन करना पड़ेगा, 5360 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करें, मुझे लगता है कि जो मूव है ये वापस 5650 तक के लेवल दिखा सकता है, 56 रुपीज तक के लेवल दिखा सकता है। PNB बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का आज का हाई कल के हाई से सिमिलर। अनुज, अभी तक हमारे पास HDFC का प्रीमियम था और HDFC के प्रीमियम को हमने एंजॉय किया, बट आज थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ, निफ्टी बैंक पे व्यू क्या होगा, और क्योंकि आज HDFC बैंक भी बैकफुट पे है और अभी भी मतलब SBI उतना स्ट्रांग मूव जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो आज कुछ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, ये दिन है क्या वो? मेरे ख्याल से वीरू अब एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मार्केट ने क्लियर कट साइंस दिखाए हैं आपको और एक लगातार वन वे बाइंग आई है, हालांकि शॉर्ट नहीं करना, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ शॉर्ट नहीं करना है आपको, और एक बार प्रॉफिट बुक कर लें मेरे ख्याल से कोई हैरानी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप वो जो हमारा 20,000 का व्यू है वो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन
हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए आपको निफ्टी पे 100-150 पॉइंट का करेक्शन दे दे, बैंक निफ्टी पे हो सकता है एक बार के लिए आपको शायद ये 44-800 तक का एक मूव दे दे, पॉसिबल है। और मिड कैप इंडेक्स दो दिन से ये दिखा रहा है कि थोड़ी सी शायद प्रॉफिट टेकिंग आ रही है मार्केट में, और जिस तरीके से मार्केट लीडिंग स्टॉक्स गिरे हैं आज, जिन्होंने मार्केट को लीड किया है, चाहे वो L&T फाइनेंस हो, M&M फाइनेंस हो, पिरामल हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, अशोक लेलैंड हो, ये थोड़े से साइंस होते हैं कई कि यहाँ पर शायद थोड़ी सी आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो कोई बुराई नहीं है। लोअर लेवल मिलेंगे फिर लोअर लेवल पर एंट्री करिएगा। आज मुझे लग रहा है मिड कैप में शायद ठीक ठाक करेक्शन होने के चांसेस हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा है कि आज अच्छे खासे करेक्शन होने के चांसेस हैं। या एक अप्रोच ये हो सकती है कि कल के लो को आप स्टॉप लॉस रखें, अगर आप करना चाहते हैं, अगर मतलब कैरी करना चाहते हैं तो कल के लो को स्टॉप लॉस रखें, ये एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के साइन विजिबल है मार्केट में क्लियरली। जी हाँ, स्क्रीन पे विजिबल भी है, और याद रखिएगा वो जरूरी भी है, थोड़ा सा तर्क संगत हो भी जाता है इंडेक्स और एक एक, एक वर्टिकल राइज के बाद। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो कि थोड़े से रिस्की नजर आ रहे हैं, लेट्स ब्रिंग MCX 1482। यस, 1482 अब ये अपने 100 डे मार्क को वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ। आपका व्यू राजेश सतपुते जी, MCX पे क्या होगा? न्यूज फ्लो, उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट स्टॉक, हालांकि उस दिन रिकवर होकर बंद हुआ था, बट वो तीन दिन के एक क्लोज, तीन दिन के एक इंट्राडे लो, उस जोन को तोड़ने की शायद एक तैयारी करता हुआ, MCX पर थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। परसों के दिन मुझे याद है एक गैपडाउन हुआ था, गैपडाउन पूरा रिकवर हुआ था, और ये एग्जैक्टली अपने 1500-1520 ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, जहां पे 50 डीएम है, 100 डीएम आता है, तो मेरे हिसाब से वही स्टॉप लॉस होगा 1520 के आसपास का MCX का। अभी प्रॉफिट टेकिंग फिर से आ सकती है करीबन 1440-1430 तक, तो जो डिप था परसों का, जो लो था, वो एक बार के लिए फिर से रिट्रेस हो सकता है, फिर से रिटेस्ट हो सकता है, तो स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक है यहाँ पे, वीक ही है, स्ट्रक्चर वीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस पैनल को लेकर आते हैं स्क्रीन पर, राजेश सतपुते और कविता जैन, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहें। नरेंद्र जी, मानस जी, गाबा सर, राजेश पालवे जी और आशीष बहेती जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब इस शो को समेट लेते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड से।